स्टैट्यूटरी मतलब क्या है, लीगल, लीगल रेमेडी मिलेगी इन केस बोर्ड ने क्या कर दिया भाई, रिफ्यूज कर दिया रजिस्ट्रेशन ऑन ट्रांसफर या फिर ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, क्या बोर्ड ऐसा कर सकता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भाई कर सकता है, लेकिन गुड फेथ में होना चाहिए, आर्टिकल में लिखा होना चाहिए और गुड फेथ में होना चाहिए तो कर सकता है, अदरवाइज नहीं। चलिए, डायरेक्टर ने ऐसा कर दिया तो क्या रेमेडीज मिलेगी? तो एक तरफ इन्होंने कहा प्राइवेट कंपनी का पढ़ेंगे, एक तरफ पब्लिक कंपनी का पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले शॉर्ट में बस अच्छा प्रेजेंटेशन दिखा रही, बाकी कुछ भी नहीं, ठीक है, आ जाओ स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले समझ रहे प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी तो समझ दो, प्राइवेट कंपनी की तीन रिस्ट्रिक्शंस, तीन कंडीशंस थी, प्रोहिबिशन, लिमिटेशन और रिस्ट्रिक्शन। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए पब्लिक कंपनी समझते हो, पब्लिक कंपनी कौन सी कंपनी होती है? जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती है। और उसमें एक और पॉइंट था, पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी अगर वो प्राइवेट है तो भी हम उसे पब्लिक ट्रीट करते हैं। वेरी गुड, चलिए डेफिनेशन आपको याद है, स्टार्ट करेंगे। अगर प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, हमारी आईटेक्स प्राइवेट कंपनी, मैंने ईशांत को शेयर ट्रांसफर किया, मैं क्या कहलाऊंगी, मैं क्या कहलाऊंगी, ट्रांसफरर। तो ट्रांसफरर मतलब कौन होता है? सेलर। ट्रांसफरी मतलब बायर, ठीक है। तो अब बार बार सेलर बायर नहीं बोलेंगे, आपकी बुक भी ट्रांसफरर और ट्रांसफरी वर्ड यूज करती है। ट्रांसफरर बेचने वाला, ट्रांसफरी जो खरीद रहा है। अब कंपनी के आईटेक्स का जो कंपनी का रजिस्टर है, रजिस्टर ऑफ मेंबर है, उसमें किसका नाम लिखा है? ट्रांसफरर का नाम लिखा है, ठीक है। मैंने कंपनी को दो डॉक्यूमेंट दिए, एक डॉक्यूमेंट क्या दिया, ट्रांसफर डीड, दूसरा क्या दिया, सर्टिफिकेट, फिजिकल सर्टिफिकेट। दोनों को साथ में दो डॉक्यूमेंट को उठा के कंपनी को दे दिया, कंपनी आप प्लीज मेरा नाम हटाकर किसका नाम इसमें इंसर्ट करो, ट्रांसफरी का नाम इंसर्ट करो। डायरेक्टर ने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। डायरेक्टर ने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। अब डायरेक्टर, कंपनी का डायरेक्टर रिप्लाई करेगा, नोटिस देगा मुझे। नोटिस किस चीज का देगा, कि मैंने ये रिफ्यूज कर दिया, मस्ट बी सेंड। ये डायरेक्टर कितने दिन के अंदर देगा, 30 डेज के अंदर, 30 डेज रिसीप्ट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ इंस्ट्रूमेंट विद द रीजन। मुझे रीजन बताया जाएगा कि क्यों ट्रांसफर करने से मना कर दिया, वॉट एवर जो भी उसका रीजन है। तो इन शॉर्ट पहले मैं ये दो डॉक्यूमेंट कंपनी को पकड़ाऊंगी, कंपनी का डायरेक्टर रिस्पॉन्ड करेगा, बोलेगा कि मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं, ठीक है, जो भी वो रीजन बताएगा, रीजन के साथ बताना, बिना रीजन के वो मुझे मना नहीं कर सकता। चलिए, अब मुझे बुरा तो लगेगा ही, ऑब्वियसली मुझे लग रहा है कि भाई जो ये रीजन दिया जा रहा है एकदम जेन्युइन नहीं है, फालतू के रीजन बना रहे। रीजन हो सकता है वो ये बोलेगा कि भैया जो ईशांत है ना, इसने एक बार ना हमारी कंपनी की ना रेपुटेशन खराब करी थी, इस कारण से हम इसको देना नहीं चाह रहे। या फिर उसको बोला कि ये अगर हमारी मीटिंग में आ गया ना, तो मनमाने तरीके से कुछ भी उटपटान क्वेश्चन पूछेगा हमारी कंपनी से, हमारे डिसीजन को बहुत डिले करेगा। तो ऐसे ऐसे रीजन दे रहा है डायरेक्टर, मुझे ये रीजन बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे। तो अब मैं कहां जाऊंगी अपील करने, अपील करने कहां जाते, एनसीएलटी, ठीक है। तो ट्रांसफरी, ट्रांसफरी, ठीक है, ईशान जाएगा शिकायत लेकर कि भैया ये कंपनी मना कर रही है, क्या मना कर रही है, शेयर को ट्रांसफर करने से रिजेक्ट कर रही है। तो भैया ईशान के पास कितना समय है, 30 डेज का। 30 डेज कहां से, जब भी नोटिस आया रिजेक्शन वाला, रिफ्यूज वाला, वहां से 30 दिन के अंदर, या फिर 60 डेज इफ नो नोटिस इज सेंट। समझना, मैंने क्या भेजा, हम दोनों ने मिलकर क्या भेजा, ट्रांसफर डीड जिसमें हम दोनों ने साइन किया था, और सर्टिफिकेट किसको भेजा भाई, कंपनी को। कंपनी ने रिजेक्ट मारा, कंपनी कितने दिन में रिप्लाई करेगी, 30 डेज के अंदर, ठीक है। 30 डेज के अंदर उन्होंने रिप्लाई कर दिया, अभी हम मान के चल रहे कर दिया, अगर कर दिया तो जिस दिन हमारे पास आए उस दिन के अंदर अंदर ट्रांसफर क्या कर देगा, और अनदर 30 डेज के अंदर कहां जाएगा, शिकायत करने जाएगा। तो पहला जो 30 डेज है वो किसके लिए है, नोटिस जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देंगे बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, किस चीज का, रिफ्यूज करने का, ये समझ में आए। फिर जिस दिन नोटिस मिला वहां से अनदर 30 डेज में एनसीएलटी के पास जाएगा ट्रांसफरी अपनी शिकायत लेके, क्लैरिटी है। अगर रिप्लाई आया, अगर रिप्लाई आया, समझना, तो वहां से 30 दिन के अंदर, इन्होंने कहा 60 डेज इफ नो नोटिस इज सेंट। इन्होंने कहा कि अगर कोई रिप्लाई नहीं आया, कंपनी एकदम शांत है, साइलेंट है, तो आप क्या करोगे, 60 डेज का वेट करो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वैसे तो 30 डेज के अंदर रिप्लाई कर ही देगा, हम ऐसा मान रहे, तो इस सिचुएशन में उसने रिप्लाई किया। सेकेंड सिचुएशन हम बोल रहे कि भैया कोई रिप्लाई नहीं किया, तो कोई रिप्लाई नहीं किया तो जिस दिन आपने भेजा था अपनी डीड, वहां से कितने दिन का वेट करो, 60 डेज का, और 60 डेज के बाद अनदर 30 डेज के अंदर आप क्या करोगे, क्या करोगे, अपील करेंगे। तो पहला 30 डेज कब जाना है, जिस दिन रिप्लाई आ गया वहां से,
जिस दिन रिप्लाई आया वहां से, अगर रिप्लाई नहीं आया तो 60 डेज का वेटिंग पीरियड, और 60 डेज के बाद जाने को जाना 30 डेज में ही है। क्लैरिटी बच्चा, तो इन्होंने क्या बोल दिया, 60 डेज नो नोटिस इज सेंट, क्लियर, नहीं अनदर 30 डेज नहीं सॉरी 60 डेज के अंदर अंदर आपको जाना, तो ये 30 डेज ये 30 डेज दोनों मिलाकर 60 डेज। क्लैरिटी है बच्चों, पक्का? कौन सी कंपनी है? चलिए अब पब्लिक कंपनी की बात करेंगे। पब्लिक कंपनी के शेयर क्या होते हैं? फ्रीली ट्रांसफरेबल, तो भाई हम किसी को भी दे सकते हैं। मैंने कहा कि मैं पनस को देना चाहती हूँ, आशी को देना चाहती हूँ, इशिका को देना चाहती हूँ, जिसको देना है मुझे देना। इशिका की इशिता का ही है ना, ता तुम हो का तुम हो, ठीक है आ जाओ। चलो अब मैं किसी को बेच सकती हूँ, मैंने इन लोगों को बेचना सही समझा। सेम डॉक्यूमेंट मैंने किसको दिया होगा? कंपनी को। कौन से दो डॉक्यूमेंट देना बताओ जरा? एओए क्यों दिया मैंने? ट्रांसफर डीड और शेयर सर्टिफिकेट दिया कि भैया इनके नाम पे कर दो। चलिए तो अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या कर रहे हैं? रिजेक्ट मार दिया इन्होंने भी, तो साफ इन्होंने बोला भैया पब्लिक कंपनी के भी ट्रांसफर कहाँ जाएगा, शिकायत करने जाएगा एनसीएलटी के पास। सेम क्या बोला? 30 डेज। 30 डेज कहाँ से? जिस दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रिजेक्शन का नोटिस दे दिया, और क्योंकि आपकी पब्लिक कंपनी है तो हमने 60 डेज की जगह आपको कितना समय दिया? 90 डेज। पब्लिक कंपनी है, काम ज्यादा होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समय लग सकता है, मे बी रिप्लाई नहीं कर पाए, तो फिर आपको प्राइवेट कंपनी में 60 डेज है और पब्लिक कंपनी में उन्होंने क्या बोल दिया? 90 डेज, अगर कोई भी नोटिस रिसीव नहीं होता है। क्लैरिटी है? कुछ नहीं, बस हम प्रोसीजर पढ़ रहे। रेमेडी क्या है? अपील करोगे, ठीक है। एनसीएलटी के पास गया मैटर पूरा, चाहे पब्लिक कंपनी चाहे प्राइवेट कंपनी हो, एनसीएलटी का रोल आता है, अब वो दोनों की बातें सुनेगी। बातें सुनने के बाद वो पहला अपना डिसीजन देगी। क्या डिसीजन देगी? डिसमिस करना। व्हाट यू मीन बाय डिसमिस? बात सुनी, हमें लगा कि भैया कंपनी सही तो कह रही है, मैटर यहीं खत्म, डिसमिस कर दिया, ठीक है। या फिर ऑर्डर पास किया। क्या ऑर्डर पास किया? रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ट्रांसफर वैलिड है, ईशांत का नाम लिखो, कंपनी तुम कुछ भी जेन्युइन रीजन दे नहीं रहे हो। क्या ये बात समझ पा रही है? कंपनी मस्ट कंप्लाई विद इन 10 डेज। जिस दिन एनसीएलटी का ऑर्डर आएगा वहां से 10 दिन का समय है, कंपनी को फटाफट इन 10 दिनों में रजिस्टर में है ना नाम चढ़ाना पड़ेगा, ट्रांसफर वैलिड करना पड़ेगा। अगर इनके से सारी बातें आप नहीं मानोगे तो भैया जेल भी हो सकती है 1 से 3 साल, और फाइन भी लग सकता है कितना? 1 से 5 लाख तक। तो कुल मिलाकर अभी जो मैंने आपको शॉर्ट में समझाया, आपकी बुक की वापस हम हेडिंग पढ़ेंगे। हेडिंग क्या बोल रही है? हेडिंग क्या बोल रही है? क्या रेमेडी मिलेगा? क्या रेमेडी मिलेगा अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या कर देते? रिजेक्ट कर देते। प्राइवेट कंपनी चाहे पब्लिक कंपनी, रेमेडी ये है कि आप कहां जा रहे हो? एनसीएलटी के पास। अब बाकी हमने क्या पढ़ी है? इसकी प्रोसेस पढ़ी है। प्रोसेस में हमने क्या पढ़ा कि जिस दिन आप दे रहे हो उनको नोटिस नहीं, आपने क्या दिया? ट्रांसफर डीड और क्या दिया? शेयर सर्टिफिकेट। वहां से रिप्लाई आएगा 30 डेज के अंदर कि हम रिजेक्ट कर रहे हैं, और रिजेक्शन हमेशा क्या होना चाहिए? रीजन के साथ होना चाहिए, ठीक है। अगर रीजन नहीं है या फिर रीजन वैलिड नहीं लग रहा है तो आपके पास रेमेडी है कि आप अपील करने जाओगे। प्राइवेट कंपनी को बोला तुम 30 डेज और 60 डेज में जाओगे, पब्लिक कंपनी को बोला तुम 30 डेज और 90 डेज। कब 30 डेज हो रहा है, कब 60 और 90 डेज हो रहा है? 30 डेज तो सबको समझ में आ रहा है कि जिस दिन उन्होंने रिजेक्ट किया वहां से रिप्लाई नहीं आया, तो प्राइवेट कंपनी के लिए 60 डेज और पब्लिक कंपनी के लिए 90 डेज। क्लैरिटी है? डाउट क्या बेटा? ठीक है। अब देखो हमेशा लैंग्वेज रीड करने का, यहाँ आओ एक बार, क्या लिखा है? पनिशमेंट दी गई है। लैंग्वेज क्या बोल रही है? इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म नॉट लेस देन 1 ईयर बट मे बी एक्सटेंडेड 3 ईयर्स, ये लिखा है। अब मुझे बताओ ये क्या लिखा है? हमेशा याद रखना इम्प्रिजमेंट और फाइन के बीच क्या लिखा है। इम्प्रिजमेंट फाइन के बीच में अगर एंड लिखा है तो मतलब दोनों लगेगा, और तो दोनों में से कोई एक। मैं हूं एनसीएलटी का जज, तुम लोग का केस मेरे पास आया, ये मैक्सिमम कितनी जेल हो सकती है इस टाइप की गलती में? तो मैक्सिमम कितनी जेल हो सकती है? 3 साल। मिनिमम कितनी हो सकती है? 1 साल। मतलब जज अब जो भी डिसीजन देगा, मिनिमम जेल कितना देगा? 1, और मैक्सिमम कितना देगा? 3। अब मैं तुम्हारी बातें सुनकर देखूंगी ऑफेंस कितना सीवियर है या फिर कितना लाइट है, उस हिसाब से 1 से 3 के बीच में दे दूंगी, मेरी मर्जी। एंड फाइन भी दूंगी, फाइन भी क्या? 1 से 5 लाख के बीच में। तो इट्स डिपेंड केस टू केस, जज को जैसा ठीक लगेगा जज वैसे डिसीजन देगा। क्लैरिटी है? डाउट? ये किसने कहा तुम्हें?
कल नहीं आई थी ना। एक होता है रिस्ट्रिक्शन, एक होता है प्रोहिबिशन। प्राइवेट कंपनी को लेकर क्या बोला था, बस ये डाउट कल नहीं आई है इस कारण से, ठीक है। लेकिन ये डाउट फिर भी नहीं आना चाहिए क्योंकि हम स्टार्टिंग से बढ़ रहे, पब्लिक कंपनी हो चाहे प्राइवेट कंपनी हो, शेयर तो ट्रांसफर दोनों कर सकते, शेयर तो दोनों ट्रांसफर कर सकते चाहे पब्लिक हो चाहे प्राइवेट। बस पब्लिक को क्या बोला, तुम फ्री हो, अंदर बाहर जिसको देना है दोनों। लेकिन प्राइवेट कंपनी को क्या बोला, रिस्ट्रिक्टेड। रिस्ट्रिक्ट को सिंपल भाषा में बोलूंगी कंडीशन। कंडीशन क्या है, पहले फर्स्ट ऑफर दो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, अगर इन्होंने ना बोला तो हम बाहर जाएंगे। और कल की जो क्लास में हमने पढ़ा है इसी की पूरी डिटेलिंग पढ़ी है, उसकी डिटेलिंग में हमने यही पढ़ा है कि आपको दिया जाएगा लेकिन आप मनमानी रेट बोलोगे, ट्राई करोगे कि हम ही खरीदेंगे लेकिन बहुत कम में करेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वैल्यू एकदम फेयर होनी चाहिए। तो प्राइवेट कंपनी में क्या आउटसाइडर को दे सकते हैं, हाँ दे सकते हैं, लेकिन फर्स्ट हक आपके एग्जिस्टिंग शोल्डर का है। अगर ये ना बोलते तो आउटसाइडर के पास बाहर जाने का, क्लैरिटी है, ठीक है। कल की क्लास बस मिसिंग है इस कारण से, ऐसा डाउट आ रहा है, थोड़ा एक दिन लेट चलता है ऑनलाइन, ठीक है। चले क्लियर है बच्चों, कोई ना वो क्लियर हो जाएगा। अब ये पूरा कंटेंट वही है, वही सारी बातें कर रहा है। पहला क्या बोला, प्राइवेट कंपनी नोटिस सेंड करना, दिख रहा है तुम्हें 30 डेज 60 डेज, फिर पब्लिक कंपनी 30 डेज 60 डेज 90 डेज। क्लियर है बच्चा, एक मिनट कुछ टाइमिंग का लोचा है। ट्रांसफर में विद इन दी 60 डेज चेंज करना है, 60 और 90 डेज है ये वाला, ये एक्चुअल में चेंज हुआ था, ये 30 डेज नहीं है, ये 60 डेज है, ये एक्चुअल में चेंजेस से आया था, वापस वापस वापस, हाँ बता रही ध्यान देंगे। 30 डेज कॉमन, चाहे प्राइवेट कंपनी हो चाहे पब्लिक कंपनी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को 30 डेज में रिप्लाई करना है, ठीक है। अब प्राइवेट कंपनी को बोला, जिस दिन रिजेक्ट हुआ वहां से 30 डेज, अगर कुछ भी नहीं बोला है तो वहां से 60 डेज, ये चीज यहाँ पे चेंज है। जिस दिन नोटिस आए वहां से 60 डेज, और नोटिस नहीं आया तो वहां से 90 डेज, तो ये 30 की जगह पे क्या हो जाएगा, 60। क्लियर है बच्चा, बस ये चेंज है, इसे ठीक कर ले। चलिए बाकी ये तो समझ में आ गया। ट्रिब्यूनल दो टाइप के ऑर्डर पास करेगा, क्या ऑर्डर पास करेगा, या तो क्या करेगा डिसमिस कर देगा, या फिर क्या बोलेगा एक्सेप्ट करो ट्रांसफर सही है, इसे आपको रजिस्टर में मेंटेन करना पड़ेगा। क्लियर है, चलिए अब यहाँ केसेस दिख रहे हैं, टोटल कितने केस दिख रहे हैं, एफ कितने दिख रहे होंगे। जो भी कंसेप्ट पढ़ते हो उसके नीचे जो भी आपको केस दिखता है वो केस उसी से रिलेटेड होता है, उसी का फाइनल कंक्लूजन रहता है। पहला केस क्या बोलता है, रीड करो मुझे बताओ, ईशान क्या कर रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रीजन दिया कि भैया हम ईशान को इसीलिए ट्रांसफर करने नहीं दे रहे क्योंकि वो हल्ला मचाएगा मीटिंग में आकर, मतलब कि प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्या ये रीजन वैलिड है क्या, नहीं। केस जाता है एनसीएलटी के पास, एनसीएलटी डिसीजन देता है कि भैया ये कोई वैलिड रीजन नहीं है, आपको ट्रांसफर का नाम रजिस्टर में लिखना पड़ेगा, यस ये शेयर उसका है। क्लियर है, नेक्स्ट केस क्या लिखा है, अ मियर अटेम्प्ट, क्या अटेम्प्ट किया उसने, टू कंपनी पे नहीं कर पा रही थी क्रेडिटर का लोन, क्रेडिटर को लोन चुकाना था, ठीक है। अब कभी किसी ने एक बार हल्ला मचा दिया होगा क्रेडिटर ने, किस टाइप का हल्ला मचा दिया होगा, इस कंपनी को वाइंड अप करो अगर ये हमारे पैसे नहीं दे पा रही है। अब मैंने इसी क्रेडिटर को क्या किया, ये शांति था वो क्रेडिटर जो क्या कर रहा था, हल्ला मचा रहा था। अब मैं ट्रांसफरर, मैंने उसको बेचने का सोचा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बोला कि यार इसने एक बार ना हमारी कंपनी को ना वाइंडिंग अप के लिए एप्लीकेशन दी थी जो आगे चल के रिजेक्ट ही हो गई, लेकिन हमें तो बुरा लग गया है तो इस कारण से हम क्या नहीं करेंगे, इसको बेचने नहीं देंगे, तो ये भी रीजन सही नहीं है, लीगल लॉस है, मतलब कंपनी की जेन्युइननेस के कारण उसने किया। अगर कोई क्रॉस क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब कि कोई है जो सवाल पूछना चाहता है, आप तो उनको दबाना चाह रहे हो ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करना चाह रहे, दबाना चाह रहे हो। क्रेडिटर ने एक बार एप्लीकेशन डाला, मतलब कि वो थोड़ा सा है जो इनिशिएट लेता है और आप उसको दबाना चाह रहे हो, ये सारे आपके रीजन है, तो इस कारण से हम आपको आगे है ना ये काम ट्रांसफर को रिजेक्ट करने नहीं देंगे। दो केस समझ में आए, नेक्स्ट डायरेक्टर के पास पावर तो है, क्या हमने ये पढ़ा है, डायरेक्टर के पास पावर है, डायरेक्टर के पास पावर है, आर्टिकल में ये पावर होनी चाहिए और गुड फेथ में होना चाहिए, ये सब गुड फेथ है क्या, कोई गुड फेथ नहीं है। डायरेक्टर के पास पावर है रिफ्यूज करने की रजिस्ट्रेशन ऑफ शेयर, मर्ज भी क्या लिखा है, एक्सरसाइज रीजनेबली इन गुड फेथ, गुड फेथ से मतलब हमारा कंपनी का फायदा,
कंपनी का कुछ नुकसान है इसको लाने से तो फिर करो। अब ये कोई नुकसान नहीं है कि वो बहुत क्वेश्चन पूछता है, उसने एक बार क्रेडिटर एज अ क्रेडिटर उसने क्या किया था कंपनी के लिए, वाइंडिंग अप की एप्लीकेशन दी थी, ये कोई रीजन सही नहीं है। क्या पता कंपनी का फायदा ही इसमें छुपा हो। बहुत सारे लोग जो कंपनी की इन छोटी छोटी मैटर्स को इतने नहीं देखते सीरियसली, तो भैया ये है जो एक अच्छी तरीके से देखता है, अपना ओवरव्यू देता है, इस कारण से चार लोग और मैटर को सीरियसली लेते, तो ये तो अच्छी ही बात है। तो ये सब रिजेक्शन के रीजन नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट, रिफ्यूज कर रहे हैं, क्यों रिफ्यूज कर रहे हैं शेयर ट्रांसफर ड्यू टू, ये क्या लिखा है बोले तो? अब समझना, दो अलग अलग कंपनी, एक कॉम्पिटिटर का इंसान है, ठीक है, दो अलग कंपनी, एक हमारी कंपनी एक दूसरी कंपनी है, वहां का इंसान आता है और यहाँ के शेयर खरीदता है, मतलब हमें नहीं पता, हमें नहीं पता यहाँ के एक शोल्डर एक कॉम्पिटिटर के शोल्डर को, जो कॉम्पिटिटर मतलब कि मेन कॉम्पिटिटर ही है, वो उसी की कंपनी है, उसको अपना शेयर बेच रहे हैं। अब डायरेक्टर उसे मना कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ ये फिर भी बोनाफाइड रीजन है, वो कॉम्पिटिटर है, वो जानबूझकर इस कंपनी का शोल्डर बनना चाह रहा है और यहाँ पर क्या करेगा, उंगली करेगा, ट्राई करेगा कि हमारी उसकी कंपनी आगे निकल जाए और हम पीछे रह जाए, तो जितने भी हम डिसीजंस लेंगे मीटिंग में तो वो जानबूझकर अगेंस्ट में डिसीजन देगा। तो हाँ ये जेन्युइन रीजन है। जेन्युइन रीजन क्या बताया इन्होंने, कॉम्पिटिटर है, वो कॉम्पिटिटर को हम शेयर नहीं देना चाहते क्योंकि उसके मार्केट में इसकी हिस्ट्री देखी गई है, उसने इससे पहले भी बहुत सारे गलत स्टेप्स लिए हैं हमारी कंपनी को लेकर, अब इस कंपनी में आना इसका गुड फेथ नहीं दिख रहा है, उसका पास उसे दिखाता है कि वो कुछ गलत एक्शन लेने के लिए ही आया है। तो यस, एनसीएलटी ने डिसीजन दिया कि हाँ इस ट्रांसफर को हम रोक सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट केस क्या है, और ऐसा नहीं है कि यहाँ डिसीजन, फॉर एग्जाम्पल बच्चा कॉम्पिटिटर अगर गुड फेथ में उसकी कोई पास हिस्ट्री नहीं दिख रही, दैट मीन्स आप उसको ट्रांसफर कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि इसमें बोल दिया, केस टू केस सारी चीजें डिपेंड करती है, बस आपको देखना है कि हिंट है क्या, पास डिसीजन उसके ऐसे कुछ दिख रहे हैं क्या कि वो बहुत अजीब है, वो हमेशा कुछ गलत डिसीजन लेगा, तो ऐसे करना है, अदरवाइज हमेशा ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट क्या बोलता है, डिसीजन रिफ्यूजल डिसीजन मेड बाई दी ट्रांसफर कमिटी। अब थोड़ा समझो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर समझते हैं, कंपनी की सबसे टॉप अथॉरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपना काम किससे करवाया, ट्रांसफर कमिटी, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये पूरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, हम तीन लोग डायरेक्टर्स थे जो ये सारे डिसीजन लेते थे, हमने अपने नीचे एक छोटी सी कमिटी बना दी, कमिटी सिंपल भाषा बोलूं तो एक छोटा सा ग्रुप बना दिया, जिनको हमने बोला भैया तुम ना ट्रांसफर के मैटर के डिसीजन लेते रहना। अब रिजेक्शन किसने मारा, ट्रांसफर कमिटी ने, तो इन्होंने कहा कि डीम्ड क्या है, इनवैलिड। भैया रिजेक्शन का काम कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ये काम किसको दे दिया, ये काम किसको दे दिया, ट्रांसफर कमेटी को। देखो कायदे से बात ये है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपना काम डेलीगेट कर सकते हैं, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं जो डेलीगेट किया है नहीं जा सकते। डायरेक्टर तुम्हें जो ठीक लगे आप वैसा डिसीजन लो, लेकिन हाँ ट्रांसफर कमेटी एकदम आपके नीचे की लोअर अथॉरिटी कैसे इसे रिजेक्ट कर सकती है, तो इस केस में ट्रांसफर कमेटी ने रिजेक्ट किया, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रिजेक्ट किया तो मान लिया जाएगा अथॉरिटी ही सही नहीं है रिजेक्ट करने की, इस कारण से केस किसके फेवर में आता है, ट्रांसफरी के फेवर में आता है, कंपनी एक केस हार जाती है। क्लैरिटी है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्या लिखा है, रिफ्यूजल टू शेयर ट्रांसफर कैन नॉट सोली बेस्ड ऑन दी, क्या लिखा है, वॉयलेशन ऑफ लॉ, बट ऑल्सो क्या लिखा है बोले तो, क्या बोलना चाह रहे केस, इन्होंने कहा कि बस लॉ का वॉयलेशन नहीं है, लॉ का तो वॉयलेशन है ही, और साथ में क्या होना चाहिए, सफिशियंट कॉज, सफिशियंट कॉज मतलब कि प्रॉपर रीजन होना चाहिए कि क्यों रिजेक्ट किया जा रहा है। क्लैरिटी है, अगर मैं सारे केसेस का कंक्लूजन निकालूं, क्या ट्रांसफरी एक दूसरे को शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं, हाँ, लेकिन क्या डायरेक्टर के पास भी रिजेक्ट करने की पावर है, हाँ है, लेकिन वो गुड फेथ में करेगा, कंपनी के बोनाफाइड इंटरेस्ट में करेगा, फालतू के रीजन देकर वो रिजेक्ट नहीं कर सकता। हमें यहां से कौन कौन से फालतू के रीजन मिले, पहला रीजन क्या मिला फालतू का, न्यूसेंस क्रिएट करेगा मीटिंग में, तो ये फालतू का रीजन है। दूसरा क्या है, एक बार वाइंडिंग अप के लिए उन्होंने क्या, अब हो सकता है सेम रीजन वाला केस स्टडीज आ जाए और हो सकता है कि इससे मिलते जुलते, लेकिन आपको हिंट हो जाएगा कि कौन सा एवी है और कौन सा जेन्युइन है। जैसे यहाँ पे एक जेन्युइन केस हमने देखा, कॉम्पिटिटर था, वो जो कॉम्पिटिटर था वो क्या था भाई, उसके पास हिस्ट्री देखी गई है कि उसने कुछ गड़बड़ डिसीजन लिए हमारी कंपनी के अगेंस्ट, तो यस उसे मना किया जा सकता है। तो एक जेन्युइन मिला, दो नॉन जेन्युइन मिली, क्लैरिटी है। चलिए टॉपिक खत्म, अभी कौन सा टॉपिक पढ़कर आए, सैटरडे रेमेडी क्या मिली, डायरेक्टर अगर रिजेक्ट करता है सीधा जाकर अपील करने का, और फिर हमने प्रोसीजर पढ़ी, टाइमलाइन पढ़ा, ये था। चलिए हेडिंग बताओ क्या लिखा है,
पब्लिक कंपनी की टाइमलाइन, बस इसको सही करो, ये नोट्स बनाने में गलती हो गई है। देखो पहले प्राइवेट कंपनी का क्लियर है, 30 डेज के अंदर क्या होगा, नोटिस आएगा। कौन नोटिस देगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, दोनों केस में 30 डेज के अंदर। अब इन्होंने बोला यहां 30 की जगह पे बस क्या है 60 डेज, 60 डेज के अंदर अंदर आपको अपील करने का है, ठीक है। जिस दिन रिजेक्शन आया वहां से 60 डेज, अगर रिजेक्शन नहीं आया, कंपनी शांत है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कुछ नहीं बोले, तो वहां से फिर 90 डेज। तो जो यहाँ 30 था वो यहाँ 60 है, जो यहाँ 60 था वो यहाँ पर 90 है, बस ये टाइम लाइन आता, ठीक है। चलिए नया कंसेप्ट, हेडिंग से ही काम समझेंगे। बताओ हेडिंग क्या बोलती है, रजिस्टर ऑफ मेंबर, बताओ क्या होता है ये रजिस्टर ऑफ मेंबर? कंपनी का एक रजिस्टर जिसमें कंपनी के जितने शेयर होल्डर है उसका नाम प्लस पूरी डिटेलिंग, पूरी डिटेलिंग मतलब नाम, कितने नंबर ऑफ शेयर्स, कितना अमाउंट, वेरी गुड, सारी चीजें, एड्रेस वेड्रेस ऑक्यूपेशन सब लिखा रहता है, तो रजिस्टर मेंटेन है। बोल आ जाएगा, लेकिन उनको बेचने में फिर से प्रॉब्लम होगी। अगर उन्हें बेचना है तो फिजिकल सर्टिफिकेट बेचने के लिए तुम्हें खुद ग्राहक ढूंढना पड़ेगा, इसीलिए फिर डिमैट में आ जाओ, तो बहुत नाटक है, और ये इस चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे, ठीक है। क्लैरिटी है बच्चा, प्रोसेस होता है डिमैट करना, रिमैट करना, थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा 11th 12th में, है ना, डीमटेरियलाइजेशन, रीमटेरियलाइजेशन सब पढ़ेंगे। चलिए हेडिंग बताओ, हेडिंग क्या बोलता है? रेक्टिफिकेशन, किसका रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं? रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, ठीक है। अब रजिस्टर ऑफ मेंबर, मेरा नाम हटा करके किसका नाम रखना है? इशांत का। ट्रांसफरर का हटा के किसका रखना है? ट्रांसफरी का, यही कंसेप्ट है। चलिए रेक्टिफाई करना है, समझेंगे अब, थोड़ा सा डिटेल समझेंगे, फिर आएंगे आपकी बुक में। हेडिंग बताओ क्या लिखा है, रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर। पहली हेडिंग है व्हेन रेक्टिफिकेशन इज नीडेड, हम रेक्टिफाई कर रहे हैं, रेक्टिफाई करना मतलब ठीक कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। कब कब किया जाता है? इफ अ पर्सन नेम इज एंटर्ड, क्या लिखा है? मैं कंपनी का रजिस्टर मेंटेन कर रही थी, रॉकी सर का नाम लिखा, अभिषेक सर का नाम लिखा, अपना नाम लिखा, और जबरदस्ती किसी शेयर होल्डर का भी नाम लिख दिया। वो कह रहे नहीं 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 मुझे नहीं बनना है। मैंने क्या किया, जबरदस्ती विदाउट सफिशियंट कॉज उसका भी नाम लिख दिया, और बोला अल्लाह पैसे दे। वो कह भैया किस चीज के पैसे? मैंने कहा देख रजिस्टर में तेरा नाम लिखा है, तू भी कंपनी का मेंबर है। उसने कहा मैंने कब बोला, तो भाई केस बन जाएगा। कब रेक्टिफाई करना है, तो मैंने जबरदस्ती का नाम डाल दिया या फिर क्या कर दिया है, ओमिट करना, मतलब भाई मैंने पैसे दिए थे मेरा नाम नहीं लिखा, या तो मैंने तीन मेंबर्स थे जबरदस्ती किसी का नाम डाल दिया, या फिर जबरदस्ती जिसने पैसे दिए थे उसका नाम हटा दिया। सिचुएशंस पढ़ रहे, पहली सिचुएशन क्या, जो नहीं बनना चाहता था उसका नाम डाल दिया, जो बनना चाहता था जिसने पैसे भी दिए उसका नाम लिखना भूल गए जानबूझकर, ठीक है। या फिर क्या लिखा है, अननेसेसरी क्या कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं। ट्रांसफर ने और ट्रांसफरी ने मिलकर ट्रांसफर डीड कंपनी को दी है, कायदे से विद इन 60 डेज के अंदर तो हो जाना चाहिए था, अब वो अननेसेसरी कंपनी क्या कर रही है, डिले कर रही है जानबूझकर। हो सकता है हमारी कंपनी में कोई क्रूशियल मीटिंग होने वाली है, समझना, उस मीटिंग में हमें मालूम है कि ये ईशांत बहुत हल्ला मचाने वाला है, तो एक काम करते हैं अभी नहीं करेंगे, थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं, अननेसेसरी डिले कर रहे हैं। हाँ उसको बताते नहीं, वो कह रहे भैया करते 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 ऐसे टाइम पास कर रहे ताकि उस मीटिंग हो जाए अच्छे से और उसको पता भी ना चले, तो इस कारण से सारे मैटर क्रिएट किए जा रहे हैं। इनकेस अगर पता चल जाता है तो इन्होंने ये बोला है, तो भाई जरूरी है ना रेक्टिफिकेशन करने की, तो तीन सिचुएशन में रेक्टिफिकेशन करें। पहली क्या, नहीं आना चाहते तो डाल दिया, आना चाहते तो नहीं डाला, या फिर अननेसेसरी बस डिले कर रहे जानबूझकर। तो भाई सीधे से जाकर अपील करना, कहां जाकर, एनसीएलटी, जो भी अग्रीव्ड पर्सन है, अग्रीव पर्सन जिसका जबरदस्ती नाम डाल दिया ईशांत है वो अग्रीव, है ना, या फिर जिसका नाम हम भूल गए या डिले कर रहे, वो अग्रीव पर्सन कौन हो सकता है भैया, कंपनी भी हो सकता है, मेंबर भी हो सकता है, अपील करेगा एनसीएलटी या फिर क्या बोल दिया, कंपिटेंट कोर्ट, या तो एनसीएलटी के पास जाएगा या फिर कंपिटेंट कोर्ट। हो सकता है इस कंपनी का जो शेयर होल्डर है वो फॉरेन शेयर होल्डर भी तो हो सकता है, रिलायंस कंपनी के शेयर्स के बस इंडिया ने खरीद के रखे हैं क्या,
फॉरनर्स ने भी खरीद के रखे, इन्होंने कहा वैसे तो केस हमारे एनसीएलटी में चलेगा, लेकिन अगर फॉरन शेयरहोल्डर भी आ जाता है तो उसके रिगार्ड में जो भी कंपिटेंट, कंपिटेंट मतलब जो भी उससे स्पेसिफाइड जो भी अथॉरिटीज होंगी इंक्लूडिंग दोज आउटसाइड इंडिया फॉर अ फॉरन मेंबर्स, तो जो भी अथॉरिटी होगी वहां पे जाकर केस करने का, मतलब वो फॉरनर यहाँ आके इंडिया के एनसीएलटी में थोड़ी ना आएगा, तो जो अथॉरिटी डिसाइड कर रखी है उस अथॉरिटी के पास जाने का। तो रेमेडी आपको क्या मिलेगी, अपील आप कर सकते हो। अब एनसीएलटी क्या करेगा भाई, हेयरिंग करेगा, दोनों की बातें सुनेगा, क्या दिक्कत है बताओ, तुम जानबूझकर तुम्हारे साथ क्या क्या किया गया, तुम अपनी बातें रखोगे, देन कंपनी अपनी बातें रखेगी कि नहीं भाई हम जेन्युइनली बोल रहे हैं डिले हो गया जो भी एक्सपेक्टेड रीजन है, तो दोनों की बातें सुनने के बाद वो डिसीजन देगा। पहला डिसीजन क्या देगा, डिसमिस, कि भैया कंपनी एकदम सही बोल रही है, या फिर क्या बोलेगा, रजिस्टर में नाम लिखो। अगर ईशान जिसको अननेसेसरी डिले किया जा रहा था तो बोलेंगे लिखो, जिसका नाम भूल गए ओमिट कर दिया उसका लिखो, या जिसका अननेसेसरी डाल दिया है उसको बोलेंगे हटाओ। तो कुल मिला के रेक्टिफिकेशन होगा, किसका रेक्टिफिकेशन होगा, रजिस्टर का, रिकॉर्ड का, एंड ऑर्डर द कंपनी टू पे दी, या इतना टाइम पास हुआ है, इतना नुकसान हुआ है, इतना खर्चा पानी हुआ है, हाँ एक्चुअली में, और इन द टर्म्स ऑफ अमाउंट भी हुआ है ना बच्चा, आपका पैसा भी तो लगा एनसीएलटी के पास जाने में, अगर वो फॉरनर है तो भैया वो भी उधर अपनी चप्पल घिस रहा है, अपनी बातें कर रहा है, तो यस इसका एक अमाउंट डैमेज का निकाला जाएगा जो एनसीएलटी निकालेगी और फिर वो आपको प्रोवाइड करेगी इफ एप्लीकेबल, अगर ऐसा होता है तो। क्लैरिटी है, हाँ हाँ कंपनी से करवाइए, कंपनी की गलती है क्योंकि। तो कुल मिलाकर रजिस्टर, मेंबर का रजिस्टर रेक्टिफाई होगा, किन किन सिचुएशन में होगा, अगर जबरदस्ती नाम डाला, भूल गया, या फिर। अब देखो ये तो हमें याद हो जाती है, दिक्कत क्या आती है लिखने की, जो आप लोग के साथ आ रही है, तो जब भी लगे ना लिखने की दिक्कत आ रही है तो कंसेप्ट समझने के लिए मैंने इजी लैंग्वेज में आपको बता दिया, अब थोड़ा सा बस मैं कह रहा हूं, अब थोड़ा सा स्पेसिफिक होना है, थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज करो। स्टैंडर्डाइज क्या करना है, पहला क्या लिखा है, एंटर विदाउट सफिशियंट कॉज, यही बोलना है आपको, समझ में तो आ गया है ना। दूसरा क्या लिखा है, ओमिटेड विदाउट रीजन। तीसरा क्या लिखा है, अननेसेसरी डिले। वापस पहले क्या था, विदाउट सफिशियंट कॉज, ओमिटेड, तो पहले बोलना एंटर, पहले क्या बोलना है, एंटर विदाउट सफिशियंट कॉज, ओमिटेड विदाउट विदाउट रीजन लिखा है, विदाउट सफिशियंट कॉज, ये एक ही बात है, ठीक है। फिर क्या लिखा है, अननेसेसरी डिले विदाउट सफिशियंट कॉज, तो विदाउट सफिशियंट कॉज तो हर जगह लिखो, पहला पॉइंट एंटर, दूसरा पॉइंट ओमिटेड, और तीसरा अननेसेसरी डिले, और सब में चिपका दो अनसफिशियंट रीजन, अनसफिशियंट रीजन, या फिर जो भी है विदाउट सफिशियंट कॉज। क्लैरिटी है, समझ में आया, तो लिखने का तरीका ये। फिर एनसीएलटी के पास अप्लाई करने का वगैरह, ये पूरी प्रोसेस बस मैंने शॉर्ट में बताई है, अब आपकी बुक में हेडिंग हेडिंग पढ़ेंगे। सबसे पहला हेडिंग क्या लिखा है, रेमेडी किसके पास, अग्रीव, कौन था अग्रीव, जिसका नाम एंटर, जिसका नाम ओमिटेड, जिसको अननेसेसरी डिले किया, अग्रीव फॉर नॉट गेटिंग चेंजेस इन द रजिस्टर ऑफ द मेंबर, ग्राउंड ऑफ द अपील इफ विदाउट सफिशियंट कॉज। अब उन्होंने डिटेल बताया, नाम लिखो, नेम ऑफ एनी जिसका नाम लिखा है, डिफॉल्ट क्या, अननेसेसरी डिले, डिफॉल्ट अननेसेसरी डिले, अग्रीव पर्सन, वही सारी बातें एक बार रीड करेंगे। एनसीएलटी दोनों को बुलाएगा और बात सुनेगा, ऑर्डर देगा, दो टाइप के ऑर्डर देगा, पहला ऑर्डर क्या, या तो डिसमिस, दूसरा क्या, अप्रूव करेगा, बोलेगा भैया ट्रांसफर को रजिस्टर करो, रिकॉर्ड में चेंजेस करो, ठीक है। 10 दिन का समय दिया जाएगा, 10 दिन के अंदर फटाफट करो, क्या 10 दिन के अंदर करो, नाम रजिस्टर में चढ़ाओ, उसको सही करो, वेरी गुड। फिर क्या लिखा है, भैया कोई भी किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन थोड़ी ना इसमें, ठीक है। प्राइवेट कंपनी की रिस्ट्रिक्शन अलग है, पब्लिक कंपनी तो वैसे ही फ्रीली है, तो साफ इन्होंने कहा कि कोई भी किसी को रोक सकता नहीं है, लेकिन डायरेक्टर रोक सकता है, लेकिन उसके पास क्या होना चाहिए, बोनाफाइड गुड फेथ एओ में होना चाहिए, और गुड फेथ के लिए करेगा। कॉन्ट्रावेंट ऑफ द प्रोविजन ऑफ द लॉ, भैया आप लॉ रूल्स रेगुलेशन के अगेंस्ट क्यों जा रहे हो, उससे कॉन्ट्रावेंट क्यों कर रहे हैं। स्पेसिफिक इंस्टेंस मतलब एग्जाम्पल्स दिए, स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स फॉर द रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन हैज बीन डन परमिसिबल इन द फॉलोइंग केसेस। पहला एप्लीकेंट क्या लिखा है, इंड्यूस टू टेक शेयर बाय, मतलब मिसरिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब कि प्राइस सही नहीं है, किसी का कुछ और बता रहे हैं, मेरा जो शेयर है मेरा नहीं बता रहे, किसी और का, मिसरिप्रेजेंट मतलब कि सही वाला रिप्रेजेंटेशन नहीं है। शेयरहोल्डर नेम रिमूव अंडर क्या लिखा है, गलत तरीके से भैया तुम सरेंडर करवा रहे हो उससे। अलॉटमेंट किस तरीके से दे रहे हो, इरेगुलर, ये सब सिचुएशन, ये सब एग्जाम्पल्स है। इंस्टेंस मतलब क्या होता है बच्चों, एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल स्पेसिफिक दे रखे हैं जिन्हें ठीक किया जाएगा, ठीक है। सिनेरियोस, नेम ऑफ द नॉमिनी, अब
फॉर एग्जाम्पल जब भी मैं शेयर्स खरीदूंगी तो मुझसे मेरा नॉमिनी पूछा जाता है, तो भैया मेरा जो नॉमिनी का नेम है वो सही लिखा है गलत लिखा है, ठीक है। देन अलॉटमेंट ऑफ द शेयर नॉन रेसिडेंट विदाउट टेकिंग नेसेसरी परमिशन फॉरन एक्सचेंज, फॉरन एक्सचेंज जहाँ कहीं भी आएगा मतलब फेमा, वेरी गुड, फेमा अपने आप में एक पूरा एक्ट है, पूरी की पूरी उसमें अथॉरिटी है। अगर आप नॉन रेसिडेंट को दे रहे हो तो भाई प्लीज ध्यान रखना आपको क्या करनी है, नेसेसरी परमिशन ले लेनी है एज पर फेमा। अगर आपने ये सारी चीजें नहीं करी तो प्लीज आपका है ना रेक्टिफिकेशन होगा। अलॉटमेंट आपने क्या कर रखा है मेमोरेंडम के अगेंस्ट किया है, क्लैरिटी है। क्या लिखा है म्यूटेशन मतलब ऑल्टर करना, ऑल्टरेशन इन द नेम इन दी अदर्स कंपनी रजिस्टर्ड मेंबर, तो कुछ नहीं आपने गलत गलत नाम जो लिखा है उसे ऑल्टर करो, उसे ठीक करो, जब भी एनसीएलटी ऑर्डर पास करेगा वहां से 10 दिन के अंदर, क्लैरिटी है। हाँ बेटा फोर्थ और फिफ्थ, ठीक है थर्ड फोर्थ फिफ्थ, चलो समझा रहे बच्चों बाकी प्रोसेस समझ में आ गई। हेडिंग क्या है पहले बताओ, मैंने आपको एकदम समअप करके बताया, या तो नाम एंटर, या तो नाम ओमिटेड, या फिर नाम अननेसेसरी डिले विदाउट सफिशिएंट कॉज। अगर ऐसा होता है तो क्या किया जाएगा, अग्री पर्सन एक्शन लेगा, एनसीएलटी के पास जाएगा, एनसीएलटी बातें सुनेगा, या तो क्या करेगा डिसमिस, या तो ट्रांसफर को कहेगा कि भैया आपको करना पड़ेगा कंपनी, और 10 दिन का समय दिया जाएगा कि फटाफट रिकॉर्ड मेंटेन करो। चले तो रेमेडी, हाँ बेटा बता रही, चलो दोनों में डिफरेंस बता रही, पहला दूसरा तो क्लियर है बच्चों, आ जाओ स्टार्ट करेंगे थर्ड। डिफॉल्ट या फिर क्या लिखा है अननेसेसरी डिले इज बीइंग मेड, किसमें एंटर करने की बात हो रही है, आपने डिफॉल्ट किया या फिर जानबूझकर टाइम वेस्ट किया, किस चीज में रजिस्टर में नाम लिखने के लिए एंटर करने में, एंटर इसमें फोकस करना, द फैक्ट ऑफ एनी पर्सन हैविंग बिकम अ मेंबर, मतलब कोई पर्सन था जो मेंबर बनना चाहता था, आपने जानबूझकर उसका नाम लिखने की जगह आपने डिले किया, ठीक है चाहता था। डिफॉल्ट अननेसेसरी डिले इज बीइंग मेड एंटरिंग इनटू द रजिस्टर, द फैक्ट ऑफ एनी पर्सन हैविंग क्या है छोड़ना चाहता था, सीज टू बी अ मेंबर, ये बिकम टू बी अ मेंबर है, मतलब बनना चाहता था आपने जानबूझ के लेट किया, निकलना चाहता था छोड़कर आपने जानबूझ कर डिले किया, के बात समझ में आई पक्का। थर्ड और फोर्थ क्लियर है, फिफ्थ में आऊं, चलिए पर्सन अग्रीव्ड या फिर और एनी मेंबर ऑफ अ कंपनी और अ कंपनी में अपील इन सच फॉर्म एज में बी प्रिस्क्राइब, कहा जाएगा ट्रिब्यूनल के पास जाएगा, इनकेस फॉरेन मेंबर है, डिबेंचर होल्डर है, रिसाइड आउटसाइड द इंडिया, अपील करने जाएगा, अभी बताया था मैंने कहा अपील करने जाएगा कंपिटेंट कोर्ट, ये कंपिटेंट कोर्ट मतलब वो कोर्ट जो भी सीजी बता दे आउटसाइड इंडिया एज में बी स्पेसिफाइड बाई दी सीजी बाई नोटिफिकेशन, क्लैरिटी है। कुल मिलाकर बस यहाँ पे उन्होंने थोड़ी सी डिटेलिंग के साथ दिया है कि कब कब रेक्टिफिकेशन होगा, क्लैरिटी है बच्चा, ठीक है। चलिए दो कंसेप्ट अभी हमने पढ़ा, एक बार फटाफट क्विक रिविजन, पहला कंसेप्ट अभी हमने कहां से स्टार्ट किया, स्टैट्यूटरी रेमेडीज, अगर डायरेक्टर के पास फुल पावर है रिजेक्ट करने की, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिजेक्ट कर देते हैं तो आपके पास भी रेमेडी है कहां जाने की एनसीएलटी, प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी टाइम बस अलग अलग है, एक में 30-60 है और एक में 60-90, ठीक है। चलिए फिर अभी हमने सेकेंड कंसेप्ट अभी क्या पढ़ा, अगर रजिस्टर में नाम चढ़ाया नहीं, गलत चढ़ा दिया, ठीक है भूल गए, जानबूझ के डिले कर रहे हो, तो ये सारी चीजों को रेक्टिफाई किया जाएगा, एनसीएलटी के पास जाके शिकायत करवा के उसे ठीक करवाई, क्लैरिटी। अब हेडिंग बताओ क्या लिखा है, ट्रांसफर डीड क्या होती है, ईशान तो मेरे बीच में एक अग्रीमेंट हुआ था, अग्रीमेंट सिंपल भाषा है, इसका टेक्निकल हम क्या बोलते हैं ट्रांसफर डीड, तो ट्रांसफर और ट्रांसफर के बीच में जो वो अग्रीमेंट हुआ है उसे हम ट्रांसफर डीड बोलते हैं। ये ट्रांसफर डीड क्या हो गई, गुम गई भाई गुम गई, इफ ट्रांसफर डॉक्यूमेंट इज लॉस्ट इन ट्रांजिट, जब ये ट्रांसफर हो रहा था ये डीड गुम हो गई लापता हो गई, द कंपनी मे स्टिल रजिस्टर द ट्रांसफर विद द एप्रोप्रिएट, क्या लिखा है इंडेमनिटी, क्या बोलना चाहते हैं ये लोग, साफ इन्होंने बोला कि बोर्ड एक काम करो, हमने आपको भेजा कंपनी, तुम्हारी गलती कहाँ गुल कर दिया, हमने तो आपको भेज दिया था प्रॉपर साइन वाइन करके, हमने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको दिया था, अगर आपसे कुछ गुम हो जाते तो कोई बात नहीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आप उस ट्रांसफर को एक्सेप्ट करो ऑन द बेसिस ऑफ द इंडेमनिटी, इंडेमनिटी मतलब क्या है
एज अ कंपनसेशन, इंडेमिटी जहां कहीं भी आएगा कंपनसेशन याद रखेंगे, क्योंकि आपने गुमाई है ट्रांसफर डील, तो उसके बदले में आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा इस ट्रांसफर को। लेकिन बोर्ड मस्ट वेरीफाई द लॉस, जो वो लॉस हुआ है ना, गुम हो गई है वो, विद द एफिडेविट एंड प्रूफ, थोड़े से प्रूफ ले लो कि सच में वो डीड थी, हमने तो दिया, कंपनी के एंड से गुल हो गया, ठीक है, लेकिन वो उसको देख नहीं पाई, समय नहीं दे पाई, तो अपनी तरफ से प्लीज एक एफिडेविट ले लो। एफिडेविट को हिंदी में क्या बोलते हैं, शपथ पत्र, दोनों से लिखवा लो कि हाँ तुम्हारे बीच में सच में एक अग्रीमेंट हुआ था। प्रूफ ले लो जिसमें ब्रोकर सेल नोट, मतलब कि बीच में जिसने भी काम कराया, लॉयर ने करवाया, जिसने भी करवाया, उसका एक नोट ले लो, एंड द पोस्टल रिसिप्ट ले लो कि हाँ आपने सेंड किया था, ये सारे प्रूफ ले लो, इसे एक बार वेरीफाई करो, वेरीफाई करने के बाद रजिस्टर कर लो। द बोर्ड में रिक्वायर इंडेमनिटी बिफोर रजिस्टरिंग दी शेयर्स। अब एक इंडेमनिटी बॉन्ड होता है, समझना, इंडेमनिटी बॉन्ड, ट्रांसफर डीड समझ में आया, बताओ ट्रांसफर डीड क्या होता है, ट्रांसफर और ट्रांसफर के बीच में अग्रीमेंट जिसमें लिखा होगा ट्रांसफर ने इतने शेयर इतने में बेचे ट्रांसफर को, दैट्स इट, क्लैरिटी है, बेचा, इंडेमनिटी बॉन्ड, ट्रांसफर डीड गुम हो गई है, अब इंडेमनिटी बॉन्ड बनवाया जाएगा। इंडेमनिटी बॉन्ड में लिखा होगा ट्रांसफर ने ये शेयर ट्रांसफर को दे दिया है, हम जितनी भी बातें बोल रहे एकदम सच बोल रहे हैं, कुछ भी इसमें झूठ नहीं है, कल को इससे रिलेटेड कुछ भी गड़बड़ बात सामने आती है तो उसके लिए हम लाइबल रहेंगे, लाइबल है, ठीक है, लाइबल है, क्यों, शेयर सर्टिफिकेट ट्रांसफर डीड हमने दोनों दिया, ट्रांसफर डीड गुम हो गई, ठीक है, अब तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, क्या बोल रहे हो, प्रूफ दे रहे ना, प्रूफ में अभी मैंने क्या बताया, एफिडेविट, उस एफिडेविट में क्या लिखा होगा, मैंने भी साइन किया होगा और ट्रांसफर डीड, ट्रांसफर बोलेगा कि हाँ मैंने ये शेयर्स खरीदे हैं इतने इतने पैसे में खरीदे, इसका प्रूफ दे रहा हूँ मैं और एकदम सच साइन करके दे रहा हूँ, कल को इससे रिलेटेड कुछ भी गलत बातें होती हैं या कुछ भी लाइबिलिटी आती है तो उसके लिए कंपनी ने, ये लाइबल होगा, कंपनी कह रही है ये लिखकर हमें दे दो, तुम्हारी ट्रांसफर डीड की अब हमें जरूरत नहीं है, इसकी जगह पे ये डॉक्यूमेंट लगाएंगे और हम आगे आपके नाम पे ट्रांसफर कर देंगे, क्या बात समझ में आ रही है, क्योंकि अब ओरल बेसिस में थोड़ा ना काम होगा बच्चा, कंपनी भी स्मार्ट है, लॉ बोलता है हमें प्रूफ चाहिए डीड, डीड की जगह पे कुछ और रिटर्न डॉक्यूमेंट ले आओ, वो कुछ और रिटर्न डॉक्यूमेंट का जुगाड़ी हो रहा है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किससे करवा रहे, ट्रांसफरी से करवा रहे, ठीक है, आओ एक बार रीड करेंगे, ट्रांसफर डॉक्यूमेंट सेंड किया किसको, कंपनी को, वो जाकर क्या हो गई, गुम हो गई, ठीक है, कंपनी में मतलब क्या, चाहे तो क्या कर सकती है, रजिस्टर कर सकती है, द ट्रांसफर सच टर्म एज मे बी इंडेमनिटी एज अ बोर्ड में थिंक फिट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जैसा ठीक लगेगा उस हिसाब से कंपनसेट वो करेगी। The board of directors सबसे पहले अपने आप को satisfied करे, proof लेकर आए, मे बी इन द फॉर्म ऑफ द, क्या हो सकता है, affidavit, ये affidavit वो किससे ले सकती है, ट्रांसफरर से भी ले सकती है और ट्रांसफरी से, क्यों ले रही है, सपोर्ट बाई दी परचेज एंड सेल नोट, हो सकता है वो ब्रोकर को पकड़े जिसने ये काम करवाया, उससे भी एक नोट ले लेगी। दी रजिस्ट्रेशन रिसिप्ट, अब जब भी रजिस्ट्रेशन होता है, फॉर एग्जाम्पल ट्रांसफर डीड अगर आपने बनाई, तो बच्चा आपने अपनी घर प्रॉपर्टी इन सब की रजिस्ट्री सुनी है, क्या होती है रजिस्ट्री जरा मुझे बताओ, अग्रीमेंट होता है और उस अग्रीमेंट को आप कलेक्ट्रेट ऑफिस लेकर जाते हो और डॉक्यूमेंट जो उनका रजिस्टर है ना उसके पास एंटर करवाते हो, समझना रजिस्ट्री क्या होती है, आरडी तुम्हारी गाड़ियों का होगा, व्हाट इज आरडी, रजिस्ट्रेशन ही होता है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन ही होता है, मतलब कि ये रजिस्ट्रेशन, ये गाड़ी आपके नाम पर है, यही है घर की रजिस्ट्री, मतलब ये घर आपके नाम पर है, आपने अग्रीमेंट कर लिया और अग्रीमेंट आपस में क्या, मैंने शांत को ये घर बेच दिया, ये हमारे बीच में अग्रीमेंट है, ये अग्रीमेंट मैंने अपने संदूक में संभाल कर रखा है, कुछ नहीं होने वाला, ये गवर्नमेंट ऑफिस में जाकर उनके रिकॉर्ड में चढ़ाओ, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग मैंने शांत को बेचा और ये ईशान के संदूक में संभाल के रखा है, तो भैया गवर्नमेंट रिकॉर्ड में तो मेरा ही घर है, ईशान कुछ नहीं बिगाड़ सकता मेरा, अब ईशान को वो अग्रीमेंट लेकर जाएगा गवर्नमेंट ऑफिस के पास और क्या करवाएगा, रजिस्ट्री, कि मेरे नाम पे रजिस्टर करो, बात समझ में आ रही है, सेम मैं अभी ट्रांसफर डीड की बात कर रही हूं, अभी मेरे पास जो शेयर थे ट्रांसफर, रजिस्टर में नाम किसका लिखा है, मेरा, मैं क्या चाहती हूँ किसका लिख जाए, किसका लिख जाए, ईशान का लिख जाए, ट्रांसफर का लिख जाए, ये चाहती हूँ ना मैं, अब ट्रांसफर यही तो कंपनी को दे रहे थे हम, लेकिन इस बीच क्या हो गया, ये ट्रांसफर डीड क्या हो गई, गुम गई,
लेकिन ये भी एक ट्रांसफर है। क्या शेयर? एक मूवेबल प्रॉपर्टी है। अब मैंने प्रॉपर्टी जब बोला, घर की बात करी, तो घर क्या थी? इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो हम रजिस्ट्री करवाने जाते हैं ना, चाहे प्रॉपर्टी मूवेबल हो चाहे प्रॉपर्टी इमूवेबल हो, वहां गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो कलेक्ट्रेट ऑफिस है वहां पे जाके रजिस्ट्री दोनों डॉक्यूमेंट की होती है, मूवेबल की भी होती है और इमूवेबल की भी। मान लो आपने इसको पहले वहां पे रजिस्टर करवा लिया था, मान लो अगर ऐसा किया था आपने, तो उसकी एक रिसिप्ट आपको मिली होगी, दैट वॉज रजिस्ट्रेशन रिसिप्ट, आप एज अ प्रूफ वो भी दे सकते हो। वो ये कहना चाह रहे, आपका डीड गुम हो गया तो आप एज अ प्रूफ क्या क्या दे सकते हो? इन्होंने कहा कि ट्रांसफर ट्रांसफरी का एफिडेविट दे सकते हो, या फिर ब्रोकर जिसने ये काम करवाया उसका एक नोट, सेल नोट कि हाँ बेचा गया था, या फिर एक और डॉक्यूमेंट हो सकता है, वो डॉक्यूमेंट क्या है? रजिस्ट्रेशन रिसिट। कौन दे रहा है? वो जो कलेक्ट्रेट ऑफिस में, वो जो हाईकोर्ट के वहां पे जाके आप जो वो रजिस्ट्रेशन का काम कराते हो, रजिस्ट्रार बैठा रहता है उसके पास, इश्यूड बाई दी। इन्होंने क्या लिखा है? अच्छा ये वाला तो वो वाला लिखा है इन्होंने, पोस्टल अथॉरिटी। पोस्टल अथॉरिटी मतलब कि आपने पोस्ट किया था, उसका एक रिसिट मिलता है कि हाँ हम इसे भिजवा देंगे 2 दिन 4 दिन 5 दिन में, तो वो वाली रिसिप्ट भी अगर आप दिखा दोगे तो काम हो जाएगा। तो कुल मिलाकर आपको बस प्रूफ देना है कि हाँ ये डीड आपने भेजी, भेजते वक्त बीच में कहीं गुम हो गई, ये एक बार डायरेक्टर श्योर हो जाए उसके बाद वो करवा सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। अब देखो मुझे ये बेचना ही है, नया सर्टिफिकेट तो तुम्हारे नाम पे आना चाहिए, तो डुप्लीकेसी की फिर बात नहीं आती, एफिडेविट में काम हो जाए, क्योंकि उनके पास तो प्रूफ है ना कि मेरा शेयर है और मैं बेचना चाहती हूं, तो चल जाएगा काम। हल्ला मचा रहा है ना, बिल्कुल हो सकता है। ईशान से मैंने क्या लिखा था याद करो, एफिडेविट में ये लिखा था भाई मैंने खरीद लिया इसे, कल को कोई भी दिक्कत आती है, आपने वो एग्जाम्पल दिया दिक्कत का, कल को कोई भी ऐरा गरा नथु थहरा आकर बोलता है कि इसका मालिक मैं हूं, तो अशांत उसके लिए लाइबल होगा। फिर ये पूरा केस अच्छे से देखा जाएगा कौन सही कौन गलत। अभी तो ट्रांसफरी एज अशांत का नाम रजिस्टर में आ जाएगा, 2 साल बाद 3 साल बाद कोई आ जाता है कि देखो ये जो गुम हो गई थी वो मेरी थी, और कोई गुम गुम नहीं हुई थी, ये तो मेरी थी, ये तो झूठ बोल रहा था। तो केस को और डिटेल से देखा जाएगा और फिर उसके लिए ये लाइबल, अगर कल को ये गलत हो सकता है, चोरी नहीं हुई थी, इसने झूठ बोला, तो भैया ये उसके लिए फिर लाइबल होगा, और यही चीज हमने एफिडेविट में लिखवाया था। क्लैरिटी है, दोनों से लिखवा रहे हैं ना, ट्रांसफर बोला मैंने बेच दिया। तुम लोग अब सुनो, तुम लोग कहां चले गए इन्वेस्टिगेशन इन सब में? अब मैं कह रही हूं अगर गलत है, कौन गलत है? हो सकता है मैनिपुलेट ट्रांसफरर भी कर रहा हो, तो ट्रांसफर ने भी लिखा ना मैं भी लाइबल, हम दोनों लाइबल हो जाएंगे। हो सकता है हम सच्चे हो, वो तीसरा इंसान पे डैमेज का केस बनेगा। गुमाया नहीं एक्चुअल में, समझो हुआ क्या है, कंपनी की भी गलती नहीं है, सेंड कर दिया है पोस्ट ऑफिस में, हमने बोल दिया भैया पोस्ट ऑफिस तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब याद करो पोस्ट ऑफिस तो भैया भेजने में कहाँ कहाँ गुमा देती है, कंपनी तक वो पहुंचा ही नहीं, अब कहाँ गुमवा ये नोटिस करना है, कंपनी के पास आकर गुमवा कि कंपनी से पहले गुम हो गया। इन्होंने कहा कि एक काम करो आप हमें क्या दे दो, पोस्टल ऑफिस ने जो अथॉरिटी ने दिया था वो दे दो, हम एक्सेप्ट कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो प्योर हमेशा कंपनी की गलती हो ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं है। अगर कंपनी की गलती है तो वो वैसे ही एक्सेप्ट कर लेगी, बोलेगा हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर कंपनी की गलती नहीं है भैया, इनकी भी गलती नहीं, तो भैया अब तुम पोस्टल अथॉरिटी के पास जाकर क्या ही बोलोगे? तो कंपनी बोली ठीक है हम बस एक बार प्रूफ कुछ देख ले, वेरीफाई कर ले कि सारी चीजें एज पर रूल्स रेगुलेशन हुई थी, तो फिर वो एक्सेप्ट कर लेंगे। तुरंत एक्सेप्ट कर लेगी और इनसे एफिडेविट भी लिखवाएगी। देखो कंपनी तो इसमें कुछ भी नहीं है, कंपनी बस एक अथॉरिटी है जिसको रजिस्टर में नाम बदलना है, पैसे का लेन देन किनके बीच में हो रहा है? हम दोनों के बीच में हो रहा है, तो भैया कंपनी तो लाइबल ही नहीं ना, कोई तीसरा बंदा आकर बोलता है वो हल्ला मचाता है कंपनी के पास। इट इज जस्ट लाइक मेरी प्रॉपर्टी, छोड़ो शेयरवेयर, ये प्रॉपर्टी है मेरे नाम पर थी, मैंने 4 लोग को बेच रखा है, ठीक है, होता है, तुमने सुना ही होगा कि भैया डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, 4 लोग के नाम पर है, नकली डॉक्यूमेंट बने हुए। अब मुझे बताओ क्या रजिस्ट्रार पे तुम सवाल उठा दोगे, तुमने इसका क्यों लिखा, इसका उसने उसको तुमने जो डॉक्यूमेंट दिखाया हो गया, लेकिन रजिस्ट्रार तुमसे साइन करवाता है, कल को कोई भी दिक्कत होगी तुमको पकड़ा जाएगा। तो कंपनी वो रजिस्ट्रार का रोल प्ले कर रही है, भैया हमें तो बस रजिस्टर में नाम बदलना है, हमें थोड़ा पैसे मिल रहे, पैसे का लेना देना तुम्हारे आपस में हो रहा है। तो कोई भी कल को तीसरा बंदा आता है कंपनी में कोई सवाल नहीं उठाएगा, क्योंकि भैया तुम उस टाइम पे कहां थे जब ये सब हो रहा था, नहीं पता चला, तो ठीक है अब देख लेते हैं केस, तो कंपनी कहीं से भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी।
जब वो सबूत देखेगी जिसके नाम पे उसे लगेगा उसका नाम चढ़ा देगी, बस उसका ये काम। क्लियर है? पुराना नाम लिखा हो एक्चुअली में। हाँ, लेकिन लेकिन अब एक नया कंसेप्ट यहां से आता है, ध्यान देंगे। एक नाम तो लिखा होगा मेरा उसमें, तो क्या कोई ले सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। लेकिन एक ब्लैंक चेक जैसा एक शेयर होता है, एक शेयर होता है ब्लैंक चेक जैसा, उसमें अभी मुझे डिस्कशन नहीं करना, पहले कंसेप्ट तो समझ लो। आपको अच्छा दीदी मान लो ब्लैंक चेक, भैया तुम्हें ब्लैंक चेक के रूल्स रेगुलेशन पता है क्या? तो उसके एग्जाम्पल में तो मुझे नहीं है ना डिस्कशन करना, लेकिन बता रही हूँ एक ब्लैंक चेक जैसा एक शेयर सर्टिफिकेट होता है जिसमें मेरा नाम नहीं लिखा होगा। अब जब वो शेयर मेरे पास है तो भैया मैं जिसके पास होगा, अगर वो चोरी हो गया ना तो चोर भी शेयर होल्डर कहलाता है। नाम भी होता है शना वेयर करके एक नाम होता है, लेकिन आगे चलकर पढ़ेंगे, लेकिन अभी नहीं पढ़ेंगे अभी, क्योंकि तुम लोगों ने इतने केस की गुत्थी फंसाई तो मैंने बताया कि ऐसी भी चीजें पॉसिबल होती है। ठीक है, अब उसके एग्जांपल में बताना, यहाँ पे वापस आएंगे। कंक्लूजन बताओ क्या है, अगर ट्रांसफर डीड लॉस हो गया तो क्या कंक्लूजन है? कंपनी कह रही है हो गया, हमें बस प्रूफ दे दो, अपना एफिडेविट लिख के दे दो, कल को कुछ भी आएगा रिस्पॉन्सिबल तुम हो, लिख के दे दो, हम तुम्हारा नाम चढ़ा देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे किस किस से लेंगे? ट्रांसफरर से लेंगे, ट्रांसफरी से लेंगे, ये ब्रोकर जो ये पूरी डील करवाने वाला है उससे लेंगे, तुमने सच में पोस्ट किया था उनके रिसिप्ट ले लेंगे, तो ये सारी चीजें हम कर लेंगे। क्लैरिटी है पक्का? चल नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की प्योर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या करने की? शेयर को ट्रांसफर करने की, एक्सेप्ट रिजेक्ट करने की। लेकिन क्या डायरेक्टर रिजेक्ट करना, सॉरी, क्या डायरेक्टर डेलीगेट करना चाहते हैं? कर सकते हैं। हाँ, अगर आपके आर्टिकल में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ने आर्टिकल में ऐसी ऑथराइजेशन दे रखी है, कंपनी ने अपने आर्टिकल में लिखा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी पावर्स डेलीगेट कर सकता है टू एक्सेप्ट और टू रिफ्यूज द ट्रांसफर ऑफ द सिक्योरिटी, तो यस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी सारी की सारी पावर या फिर कुछ पावर जैसा उन्हें ठीक लगे एनी ऑफ द कंपनी, किसी भी कंपनी, किसी भी पर्सन को दे सकते, इवन ऐसे इंसान को भी दे सकते हैं, ये ब्लू कलर का हाईलाइटर रीड करो, ऐसे इंसान को भी दे सकते हैं जो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है, हम सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अगर आर्टिकल में ये पावर है, प्राइवेट कंपनी अपना आर्टिकल जोड़ तोड़ कर कस्टमाइज बनाती है, मतलब अगर हमने आर्टिकल में ऐसा लिख दिया कि यार हम अपनी पावर डेलीगेट किसी बाहरी बंदे को भी कर सकते हैं तो अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आर्टिकल में आपने ये पावर दे रखी है और कंपनीज एक्ट भी आपको ये अलाउ करता है प्राइवेट कंपनी को। देयरफॉर द आर्टिकल ऑफ द एसोसिएशन शुड ऑथराइज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू डेलीगेट द पावर सुटेबली, प्लीज सुटेबिलिटी के हिसाब से देना, लेकिन ओनली इन केस, क्या लिखा है? लेकिन जो रिजेक्ट करने वाला काम है ना, डायरेक्टर रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज देयर डिस्क्रिएशन, डायरेक्टर अपना डिस्क्रिएशन कर सकता है, लेकिन याद रखना ऊपर हमने सारी चीजें पढ़ी थी, गुड फेथ में होना चाहिए, बोनाफाइड होना चाहिए। बात समझ में आ रही है पक्का? मन मर्जी, डिस्क्रिएशन वर्ड बहुत जगह आएगा बच्चा, इसका नाम मीनिंग याद रखो। डिस्क्रिएशन मतलब क्या? डायरेक्टर अपनी मर्जी चला सकता है, लेकिन उसकी मर्जी गुड फेथ में होनी चाहिए। एक होती है मर्जी, एक होती है मन मर्जी। मर्जी डिस्क्रिएशन मतलब होता है मर्जी, मन मर्जी नहीं, मन मर्जी मतलब कुछ भी करो, मर्जी लेकिन गुड फेथ में। इन्होंने कहा कि एक्सेप्ट रिजेक्ट सब कर सकते, डायरेक्टर एक्सेप्ट करने की बोला, डायरेक्टर रिजेक्ट करने की पावर में अपनी मर्जी चला सकता है, डेलीगेशन तो कुछ भी हो सकता है, डेलीगेशन एक्सेप्टेंस का भी हो सकता है और रिजेक्शन का। मैं डायरेक्टर सबको सारी चीजें कर सकती हूँ, लेकिन जब रिजेक्शन की बात आएगी ना उसमें डायरेक्टर अपनी मर्जी चले। अच्छा क्वेश्चन क्या है? हाँ आप समझ सकते हो, रुको रुको रुको, काम कैसे होता है? मैंने आईटेक्स में तुम्हें एज अ सीएस अपॉइंट किया, मैंने तुम्हारे घर पर लेटर दिया, तो मैंने तुम्हें ऑफर दिया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक्सेप्टेंस दो, मैं तुम्हें पावर डेलीगेट कर रही हूँ एक्सेप्टेंस दो, जब तक एक्सेप्टेंस नहीं हमारे तुम्हारे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, तो ये नॉर्मल है, जब ये अग्रीमेंट होगा फाइनल होता है। हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मालूम है कि ये काम होता रहता है, पहले से हमने पावर डेलीगेट कर रखी है, कोई भी ट्रांसफर से रिलेटेड मैटर होंगे आशिक के पास जाएंगे, तो डायरेक्ट अब जो भी केस आएगा आशिक को ट्रांसफर कर आएगा, तो कंपनी के नाम पे लेटर आशिक के नाम पे थोड़ा आएगा, उनको क्या पता भैया कौन हैंडल कर रहे, कंपनी के नाम पे आएगा, तो जो भी
उसको उठाएगा और सीधा आशी को दे देगा, ये ट्रांसफर से रिलेटेड मैटर इस डिपार्टमेंट में जाएगा, ये डिपार्टमेंट का ये ओनर है, ये हैंडल करता है। इस तरीके से प्रैक्टिकल काम होता है। ठीक है, चलिए हेडिंग बताओ क्या लिखा है। शेयर ट्रांसफर करते हो, पूरा का पूरा सेम। इन्होंने कहा कि भैया इसमें भी एक डिबेंचर सर्टिफिकेट होगा, इसमें भी एक ट्रांसफर डीड होगी, दोनों को अटैच करो। किसको देने का? कंपनी को देने का। कंपनी एक्सेप्ट करेगी, रिजेक्ट करेगी, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो देखेंगे, विद इन क्या करेंगे, जो भी स्पेसिफाइड ड्यूरेशन है उसमें आपको इशू कर देंगे या फिर रिजेक्ट कर देंगे। खुश नहीं हो तो कहाँ अपील करने जाओगे? एनसीएलटी के पास। तो सेम सारी कहानी ये लिखा है, ट्रांसफर डिबेंचर प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट। और क्या होना चाहिए, याद आ रहा है कुछ? ड्यू लीज टाइम, डेटेड, एग्जीक्यूटेड, जो पढ़ा था हमने। ट्रांसफर ट्रांसफरी, ठीक है, 60 डेज के अंदर डिलीवर हो जाना चाहिए। आफ्टर रजिस्ट्रेशन दी ट्रांसफर रिकॉर्ड, अब इनका भी एक अलग से रजिस्टर होता है, इस रजिस्टर का नाम क्या होता है? डिबेंचर ट्रांसफर रजिस्टर। वहां किसका रजिस्टर था? मेंबर रजिस्टर। ठीक है, सेम है, कॉपी पेस्ट। चलिए माइनर के बारे में पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लिखो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बोलता है माइनर को लेकर, कर सकता है कि नहीं कर सकता? नहीं कर सकता जनरल रूल, लेकिन अगर वो करना चाहता है तो कैसे करता था? अपने लीगल गार्जियन, जो गार्जियन होता है उसके नाम पर वो करता था। सेम यहां पर कंसेप्ट को समझेंगे, ट्रांसफर ऑफ शेयर टू माइनर। पहले कंसेप्ट समझेंगे, इंडिया में माइनर का क्या कंसेप्ट है? माइनर्स इन इंडिया कैन नॉट एंटर कॉन्ट्रैक्ट एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, बट कैन बी थ्रू गार्जियन। माइनर, एक तरफ माइनर, एक तरफ मैं कोई भी शेयर बेच रही हूँ माइनर को, क्या मैं बेच सकती हूँ? नहीं। माइनर अपने किसी गार्जियन को लेके, अपने पापा को लेके, अपनी मम्मी को लेके, अपने दादा को, अपनी दादी को, चाचा चाची, जिसको लेकर है, गार्जियन मतलब गार्जियन, इसमें कोई ये नहीं कि मम्मी पापा ही बस हो, कोई भी गार्जियन हो सकता है, मम्मी पापा की डेथ होगी तो भैया कोई और हो सकता है, तो कोई भी गार्जियन को लेकर आए तो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। मतलब लिखा क्या होगा, एक तरफ मेरा नाम लिखा होगा, एक तरफ माइनर का नाम लिखा होगा, और माइनर के साथ ब्रैकेट में बार बार किसका नाम इंसर्ट किया जाएगा? गार्जियन का। तो एक्चुअल में नॉर्मली माइनर के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, स्टिल अगर आपको करना है तो उसके गार्जियन के साथ करने का। जितनी भी टीवी देखते हो, रियलिटी शो देखते हो, क्या उसमें छोटे छोटे बच्चे दिखते हैं? दिखते हैं ना, छोटे बच्चे एक्टिंग करते हुए। ठीक है, अब जो ये छोटे बच्चे आपको बाल कृष्ण ही दिख रहे हैं, तो वो छोटा बच्चा, उसके साथ भी तो कॉन्ट्रैक्ट किया होगा ना टीवी सीरियल वालों ने, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे किया होगा? गार्जियन के साथ। क्या ये बात समझ में आ रहा है? क्योंकि माइनर के साथ तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, होगा तो उनके पेरेंट्स के साथ होता है। तो क्या माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा? डायरेक्ट नहीं होता है, क्या होता है? इनडायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है थ्रू गार्जियन। पहला पॉइंट क्लियर है? नेक्स्ट, गार्जियन होल्ड करेंगे। अब यहाँ पे प्रॉपर शेयर की बात हो रही है, तो अगर शेयर दिया है, मैंने शेयर ट्रांसफर किया, मैं अपने शेयर बेच रही हूँ एक माइनर को, तो एक्चुअल में वो होल्ड करके रखेंगे कौन? गार्जियन, लेकिन एज अ ट्रस्ट, एज अ ट्रस्ट उनके पास रहेगा। जैसे ही माइनर मेजर हो जाएगा, वो जो गार्जियन है क्या करेंगे? वो शेयर ट्रांसफर कर देंगे किसके नाम पर? माइनर, क्योंकि माइनर अब मेजर हो चुका है। ट्रस्ट इंटरेस्ट फॉर द माइनर एंड कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड अंडर द हिंदू जो भी माइनॉरिटी गार्जियनशिप एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग बोला जाता है। पहले दो बातें क्लियर है? पहला, क्या माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है? बिल्कुल नहीं, जनरल रूल नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट गार्जियन की हेल्प से आप कर सकते हो। लेकिन जब आप गार्जियन की हेल्प से करते हो तो होता क्या है, गार्जियन ट्रस्ट का रोल प्ले करता है और वो जो माइनर होता है वो बेनिफिशियरी। जब वो मेजर हो जाएगा तो अपने आप वो ट्रस्ट उसे क्या कर देगा? पलटा देगा, उसे ट्रांसफर कर देगा। क्लियर है? क्या डाउट था बेटा? मैं बड़ी देखो, माइनर के नाम पे तो आना तय है, माइनर मेजर बन चुका है, अब चाचा बने थे उसके गार्जियन, ठीक है, अब गार्जियन हट जाएगा, ठीक है, माइनर क्या बोलेगा? चाचा से मेरे नाम पे कर दो, चाचा बोलेगा जान नहीं करता, तो केस होगा, कोर्ट का ऑर्डर पास होगा, माइनर को मिल जाएगा। तो इन शॉर्ट माइनर को मिल ही जाएगा, लोड बिल्कुल लेने का नहीं, क्यों? क्योंकि कोर्ट आपका पूरा साथ देगी, ठीक है, बस आपको कोर्ट तक बात लेकर जानी पड़ेगी। तो चाचा की हो गई प्रॉपर्टी, इसलिए चाचा बेस्ट ट्राई करेंगे रास्ते से अलग करने का, खूनी चाचा, ठीक है। चलो चलो वापस, शेयर कैन ट्रांसफर ऑन बिहाफ ऑफ द माइनर बाय देयर गार्जियन। इन्होंने कहा कि शेयर ट्रांसफर ऑन बिहाफ ऑफ माइनर बाय द गार्जियन, वो गार्जियन के थ्रू सारे काम होंगे। क्लैरिटी है बच्चों यहां तक? लेकिन अब मेरी बात समझो, मैं आईटेक्स कंपनी, माइनर
के साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हूँ, माइनर को शेयर दे सकती हूँ, डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली गार्जियन के थ्रू कर सकती हूँ। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, अगर मेरा जो आर्टिकल है कैन नॉट इम्पोज द कंप्लीट बैन, एक बात ध्यान रखना, आर्टिकल कभी भी टोटली मना नहीं करता, क्योंकि अगर आप बैन कर दोगे कि भाई, अगर कहीं भी ऐसा लिखा नहीं रहता है कि भाई हम माइनर को देंगे ही नहीं, गार्जियन की हेल्प से दे सकते हो ना, ठीक है, शेड ट्रांसफर टू माइनर, इन्होंने कहा अगर आर्टिकल में ऐसी बात लिख दी कि भाई आर्टिकल में माइनर को लिख दिया कि भैया इसको देना बैन है, तो ये बहुत अनएथिकल हो जाएगा, बिल्कुल सही नहीं होगा, अनफेयर होगा, अनरीजनेबल होगा, इसलिए कभी भी आर्टिकल में टोटल तरीके से बैन नहीं किया जाता, मतलब ऐसा कुछ लिखा ही नहीं जाएगा कि माइनर को हम दे ही नहीं सकते, मतलब लिखा क्या होगा, दे सकते हैं, लेकिन कंडीशन है, कंडीशन क्या है, गार्जियन के साथ। सेक्शन 44 साफ बोलता है कि भैया शेयर क्या होते हैं, ट्रांसफरेबल होते हैं, तो भैया किसी को भी बेच सकते हो, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट बोल रहा है ना गार्जियन के थ्रू करो, तो गार्जियन के थ्रू करो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये वाली बात है, अगर माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो कंपनीज एक्ट आपको बोलती है सतर्क रहो, क्यों सतर्क रहो समझना, वेरी गुड, शेयर कितने रुपए का है, 100 रुपए का, अगर पार्टली है तो तुम माइनर को प्रेशराइज नहीं कर सकते बाकी का पैसा देने के लिए, तो ट्राई करो माइनर को जो भी शेयर ट्रांसफर हो रहे हैं ना एक बार में फुल्ली पेड ही करो, माइनर से बात करो, माइनर हमें तुम्हें दे तो रहे हैं विद दी हेल्प ऑफ गार्जियन, क्या गार्जियन को प्रेशर करोगे, नहीं, ना गार्जियन को प्रेशर दे सकते हो ना माइनर को दे सकते हो, माइनर के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट करो तो सोच समझ के बैठो कि पैसे अगर माइनर नहीं देना चाहता तो वो नहीं देगा, कोर्ट भी उसकी हेल्प करेगा, तो तुम्हें वॉर्न किया जा रहा है, ट्राई करो माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट मत करो, लेकिन कंप्लीट तरीके से बैन नहीं कर रहे हम, आपकी इच्छा है करने की तो करो, लेकिन याद रखना इस इच्छा में दर्द छुपा है, वो दर्द ये है फुल्ली कर लो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर पार्टली करोगे तो पैसे मांगने का हक कंपनी आपको नहीं है, अगर 60 रुपीज ही पे किए हैं और माइनर बोल रहा है अरे कंपनी टेंशन मत लो मैं तुम्हें 40 दे दूंगा और कंपनी ने इस पे भरोसा कर लिया, तो माइनर आगे चलकर मुकर जाता है, पहले उसने हाँ बोला ना फिर वो मुकर जाता है, तो आप कोर्ट में ये नहीं बोलोगे अरे उसने पहले तो हाँ बोला था, नहीं बोल सकते, अब बच्चा है वो बच्चा अगर खुद से दे दे तो बल्ले बल्ले, नहीं देने पे अगर वो आ गया तो कंपनी तुमने उसकी मासूमियत देख ली थी और तुम बह गए थे और तुम्हारा लॉस हो गया, तो साफ बोला है देयर इज नो फाइनेंशियल लायबिलिटी इन्वॉल्व, फुल्ली करो सजेशन है, पार्टली मत करो, मांग सकती पहले ही बोलो फुल्ली करो तो हम आपको दे रहे नहीं तो हम नहीं दे रहे, ये कर सकते हो, लेकिन उसने कहा नहीं यार समझो यार मैं तो भी बच्चा हूं बाद में दे दूंगा, और तुम समझ गए, अब जब तक माइनर है 18 के अंदर है तुम क्या उसे 16 में प्रेशर दे सकते हो, नहीं, 17 में प्रेशर दे सकते हो, नहीं, एक बार 18 हो जाए तब प्रेशर दे सकते हो, हाँ अब दे सकते हो, लेकिन इतने साल तक कहां से बेचेगा, बेच नहीं सकते ना, गार्जियन की हेल्प से बेच सकते हो, लेकिन फिर लोचा होगा, जिसे बेचोगे उसे कंपनी एक नोटिस भेजेगी, ये पार्टली है, आप फुल्ली पे करने को तैयार हो, याद आ रहा है, तो अगर वो फुल्ली पे तैयार हो तो भैया कंपनी के लिए तो अच्छी बात है, बेचे भाई पूरा मिल जाए, क्योंकि उसे दबाया जा सकता है, इस माइनर को दबाया नहीं जा सकता, तो माइनर का मेजर होने का फिर वेट करो कंपनी, और इतने सालों तक वो 40 रुपए की वैल्यू तो कितनी बढ़ चुकी होगी, तुम्हें मिलेगा 40 ही, क्या ये बात समझ में आ रही है, तो इसीलिए कंक्लूजन ध्यान दो, हाँ बेटा रुको, वापस कंक्लूजन क्या है, क्या माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, गार्जियन के थ्रू हो सकता है, आप एज अ सीएस क्या सजेस्ट कर रहे हो, मत करो, या फिर करोगे तो एक बार में पैसे ले लो, क्योंकि बाद में उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं बनती, क्लैरिटी है, तो लाइबिलिटी क्या है, लाइबिलिटी ऐसा है भैया फुल्ली पेड ले लो, बाद में कोई भी फाइनेंशियल लाइबिलिटी के लिए इन्वॉल्व नहीं होगा, क्लैरिटी है, तो समझ गए माइनर का फंडा, अब देखो जितना भी कुछ होगा बायबैक ने बोला था मैं उसी का करूंगा जो फुल्ली पेड है, तो ये तो तुम पार्टली हो तो हम तुम्हें बायबैक से हटा देंगे, फुल्ली पेड है तो टेंशन ही खत्म ना, रुको, अगर फुल्ली पेड है तो फिर माइनर हो मेजर हो क्या लेना देना हमें, हमारी मेन प्रॉब्लम ही पैसा था ना, कि भैया आधा पैसा है, तुमने पूरा दे दिया तुमको सारी फैसिलिटीज मिलेंगी,
और हमें टेंशन नहीं, टेंशन पैसे की थी, पैसे तो मिल गए ना, कोई टेंशन नहीं है, जीवन की टेंशन ही खत्म, आप जो करना है करो, क्लैरिटी है पक्का। तो माइनर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो ना बोलता है, कंपनीज एक्ट साइलेंट है, कंपनीज एक्ट बोलता है हम टोटल बैन नहीं करेंगे, अनएथिकल लग रहा है, अनरीजनेबल लग रहा है, लेकिन प्लीज गार्जियन के साथ करो और पूरा पैसा एक बार में ले लो, क्योंकि बाद में आप मुंह खोलने लायक नहीं रहोगे कोर्ट में, एनसीएलटी में। क्लैरिटी है पक्का। तो अब जितनी भी बातें मैंने बताई ये समझ में आया, माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, माइनर कैन नॉट एंटर इंटू एक्सेप्ट, क्या कर सकता है, गार्जियन की हेल्प से। साफ लिखा है अगर माइनर एग्जीक्यूट कर रहा है तो अपने नेचुरल गार्जियन के साथ करेगा, कॉन्ट्रैक्ट्स वो एंटर इनटू बाय द माइनर थ्रू इज नेचुरल, इन्होंने कहा अगर नेचुरल गार्जियन के साथ किया तो बाइंड हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बनता है, वैलिड होता है। फिर लास्ट पैराग्राफ में आओ, इस टाइप की रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है, रिस्ट्रिक्शन लगाना बहुत अजीब है, इन्होंने ये लिखा है, तो इसीलिए सजेशन दिया गया है प्लीज शेयर को क्या करो, फुल्ली पेड अप, क्यों, क्योंकि आगे चलकर नो फाइनेंशियल लाइबिलिटी डिवॉल्व ऑन द माइनर। क्लैरिटी है? हाँ बेटा। नेचुरल गार्जियन का मतलब होता है, हम यहाँ पे नेचुरल गार्जियन की एक डेफिनेशन है, ठीक है, इन्होंने कहा जिनके साथ खून का रिश्ता होता है आपका, ठीक है, किसी भी दोस्त को लेकर आ गए, ये एक बड़ा दोस्त है ना, हर छोटे दोस्त का एक बड़ा दोस्त होता है जो 18 के ऊपर होगा, किसी को भी उठा के लेकर आ गए तो ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है, हाँ ना, ऐसे होता है ना, डैडी बना रहे, चाचा बना रहे, कोई खून का रिश्ता नहीं, दोस्त को लेकर आते हो या दोस्त के दोस्त को लेकर आते हो, बड़े बड़े भैया दीदी को, यही होता है, जानते हैं ना खुरापाती दिमाग को, ठीक है। तो नेचुरल गार्जियन की अपनी एक डेफिनेशन। क्लैरिटी है बच्चों? अब थोड़ी बात समझेंगे, माइनर तक तो बात समझ में आती है, ये पार्टनरशिप फर्म क्या होती है जरा बताओ, ठीक है। अब आईटेक्स मान लो एक पार्टनरशिप फर्म है, रिलायंस कंपनी के शेयर्स खरीदने जा रहे, रिलायंस कंपनी का मेंबर कौन कौन बन सकता है? एक कंपनी इन्वेस्ट कर सकती है, हाँ, एक इंसान इन्वेस्ट कर सकता है, कभी भी पार्टनरशिप फर्म कंपनी का मेंबर नहीं बन सकता। ऐसा क्यों? एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है, क्या होती है ये, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं है, कानून की नजरों में, कानून की नजरों में तुम तो कुछ हो ही नहीं, तुम जो हो पार्टनर हो तो एज अ पार्टनर, पार्टनर मत खरीदो, एज अ इंसान खरीद लो ना, इंडिविजुअल। तो रिलायंस कंपनी समझ लो, रॉकी सर, मैं अभिषेक सर, हम अपनी आईटेक से एक पार्टनरशिप फर्म बनाते, तो इन्होंने कहा कि भाई इंडिविजुअल खरीदो, आपकी पार्टनरशिप फर्म को खरीदना अलाउड नहीं है, क्योंकि तुम कानून की नजर में तुम नहीं हो, तुम तो तुम्हारे पार्टनर ही हो, तो पार्टनर इंडिविजुअल कैपेसिटी में खरीदे ना, वेरी गुड। क्योंकि जब भी हम पढ़ते थे पार्टनरशिप कंपनी में डिफरेंस ही क्या पढ़ते थे, कंपनी की खुद की प्रॉपर्टी होती, पार्टनरशिप फर्म की खुद की कोई प्रॉपर्टी है क्या, उनकी प्रॉपर्टी पार्टनर की, पार्टनर की उनकी, तो कुल मिलाकर आप एज अ इंडिविजुअल ही हो ना, तो आप एज अ इंडिविजुअल खरीदो, कंपनी खरीद सकती है लेकिन कोई भी पार्टनरशिप फर्म को अलाउड नहीं है मेंबर बनना, मतलब रजिस्टर में जब मेंबर की लिस्ट आएगी तो मेंबर में कंपनीज हो सकते हैं, आर्टिफिशियल बॉडी में कंपनी हो सकती है, इंसान हो सकते हैं, लेकिन पार्टनरशिप फर्म नहीं। लेकिन हाँ, लेकिन एक सेक्शन 8 कंपनी होती है, नॉट प्रॉफिट, तुम नोटिस करो सेक्शन 8 कंपनी को जगह जगह छूट दे रखी है, किस टाइप की छूट दे रखी है, फॉर्मेलिटीज कम। इन्होंने कहा अगर कोई पार्टनरशिप फर्म इन सेक्शन 8 कंपनी को पैसा देना चाहती है, इनके शेयर खरीदना चाहती है, तो हम आपको अलाउ कर देंगे। क्यों भाई, क्यों अलाउ किया, क्योंकि हम तुम्हें तो प्रमोट कर रहे हैं, सेक्शन 8 कंपनी में डिविडेंड आपको मिलता है क्या, नहीं मिलता। सेक्शन 8 कंपनी क्या बोलते, भैया कोई डिविडेंड, तुम यहाँ डोनेशन कर रहे हो, सेक्शन 8 कंपनी प्रॉफिट के लिए नहीं कर रही। तो फर्म नॉर्मल कंपनी में आप शेयरहोल्डर नहीं बन सकते, मेंबर नहीं बन सकते, लेकिन आप किसमें बन सकते हो, सेक्शन 8 कंपनी में बन सकते। फटाफट रीड करेंगे ये 3-4 लाइनें। हाँ हाँ, बस ये छोटा सा दे दूँ, दो मिनट बस, जहाँ रिलेटेड टॉपिक है, जहाँ रिलेटेड टॉपिक है, क्या लिखा है, ट्रांसफर सिक्योरिटी टू अ कंपनी को ट्रांसफर कर सकते हैं, हाँ बस प्रूफ दे दो, फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट दे दो, क्या, आईटेक्स कंपनी शेयर दे रही है एबीसीडी कंपनी को, तो भाई आईटेक्स कंपनी पक्का शेयर दे रही है, तो आईटेक्स कंपनी तो आर्टिफिशियल बॉडी है, इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का क्या दे दो, बोर्ड रेजोल्यूशन दे दो कि किस डायरेक्टर को आपने ऑथराइजेशन दी, अब सबके सब थोड़ी ना देंगे, एक डायरेक्टर को पकड़ा, फिर हमें बोर्ड रेजोल्यूशन की, हाँ हम देने को तैयार है, इन्वेस्ट करने को तैयार है, ये दो रेजोल्यूशन, एक रेजोल्यूशन में लिखा होगा हम सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पनस को क्या दे रहे, ऑथराइजेशन,
दूसरा क्या, हाँ हम तैयार है एबीसी कंपनी को क्या देने के लिए, शेयर सर्टिफिकेट ट्रांसफर करें। तो दो बोर्ड रेजोल्यूशन लगेंगे और साथ में क्या लगेगा, ट्रू कॉपी ऑफ द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, तब जाके एक कंपनी दूसरी कंपनी को शेयर ट्रांसफर कर सकती है। हाँ कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। बस इन्होंने एक छोटा सा बॉक्स में यहाँ पे बताया है कि ट्रांसफर करने वाला हमेशा उसकी मेन अथॉरिटी होनी चाहिए, रियल मालिक ही होना चाहिए। अगर मालिक के अलावा कोई और ट्रांसफर कर रहा है तो उसे हम डिक्लेयर करेंगे वॉइड। जैसे कि एक सड़ा सा एग्जाम्पल देके उन्होंने बताया है, वाइफ ओनर है शेयर की, हस्बैंड ने जाके उसे बेच दिया, तो क्या बेच सकता है क्या? नहीं। घर की मालकिन मैं, रॉकी सर की दम होगी क्या, बेच देंगे? बिल्कुल नहीं हो सकती। ठीक है, तो पर मैं लड़ने आऊंगी, है ना, लॉयर बीवी से फंसा लिया। ठीक है चलो, नेक्स्ट क्या लिखा है, व्हेन ट्रांसफरर, कुछ अभी हमने ऊपर पढ़ा था, माइनर के केस में गार्जियन क्या बन जाता है, ट्रस्टी। अब थोड़ा सा समझना, समझना, मैं ट्रांसफरर हूं, ये ट्रांसफरी, हमने डीड, ट्रांसफर डीड और सर्टिफिकेट किसको दिया है, कंपनी को, कि भैया जल्दी से जल्दी इनका नाम डालो उसमें, ट्रांसफरी बनाओ। बात समझ में आ रही है? पता चला ट्रांसफर डॉक्यूमेंट में कुछ लोचा था, किस टाइप का लोचा था, कुछ गड़बड़ बनाया, ठीक है, कुछ डिफॉल्ट किया, तो ट्रांसफरी तो गुड फेथ में काम कर रहा था, ये एकदम सही था, प्योर था, गुड फेथ में काम कर रहा था, फेयर तरीके से डील कर रहा था, मैं ही कुछ डिफॉल्ट कर रही थी। ठीक है, तो साफ साफ इन्होंने बोला कि ट्रांसफरी तो यही है, शेयर तो इसको मिलने वाला है। व्हेन ट्रांसफर मेक ट्रांसफर, जब ट्रांसफर ने ट्रांसफर किया, ट्रांसफरी को शेयर दिया, कंपनी ने रिफ्यूज कर दिया टू रजिस्टर, कंपनी ने मना कर दिया हम रजिस्टर नहीं करेंगे, नो डिफॉल्ट या फिर डिफॉल्ट ऑफ दी ट्रांसफर, इसमें गलती ट्रांसफरी की बिल्कुल भी नहीं थी, गलती इसमें प्योर किसकी थी, ट्रांसफरर की। बाय द रीजन, उन्होंने रीजन बताया, ही हैज रिसीव कंसिडरेशन, क्योंकि ट्रांसफरी मुझे क्या दे चुका है, पैसा। ठीक है, मुझे पैसे मिल चुके, तभी तो ट्रांसफर डीड हुई, शेयर सर्टिफिकेट मैंने कंपनी को दे दिया, कंपनी का बस नाम इधर से उधर चेंज करने बचा था, लेकिन मेरे पास तो पैसा था। अगर सारी चीजें सब सही थी तो इस पैसे का मालिक मैं हूं, अगर सारी चीजें सही नहीं है तो इस पैसे का मालिक मैं हूं क्या, नहीं। पैसे का रियल मालिक कौन है, ट्रांसफरी। तो मेरा रोल, मैं ट्रांसफरर हूं, मैं क्या बन जाऊंगा, ट्रस्टी। हेडिंग पढ़ो, व्हेन ट्रांसफरर एक्ट एज अ ट्रस्टी, कब ट्रांसफर ट्रस्टी की तरह एक्ट करेगा, तब जब डिफॉल्ट हुआ है ट्रांसफर करने में, तो ट्रांसफरी के नाम पे तो शेयर नहीं आ रहे, तो कायदे से तो मुझे पैसे देने, लेकिन शेयर तो मेरे पास, सॉरी पैसे तो मेरे पास रखे, तो जब तक पैसा आप तक आ ना जाए तब तक मैं इस पैसे का मालिक नहीं हूं, मैं इस पैसे का क्या हूं, ट्रस्टी हूं। कंसेप्ट क्लियर, कंसेप्ट क्लियर? तो बस यहाँ पे उन्होंने लिखा है, ये तब तक ट्रस्टी बनेगा जब तक कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल ना हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा मुझे इसको पैसा लौटाना पड़ेगा, तब तक मेरे पास ही पैसे घूम रहे, जो भी मैं उसका कर। अब तुम कहोगे दीदी पैसे तो उड़ा दिए, फिर केस बनेगा लंबा, ठीक है, विद पेनल्टी विद फाइन सब देना पड़ेगा, कंपनसेशन में कवर होगा। क्लैरिटी है, ट्रांसफरर कब ट्रस्टी का रोल प्ले करेगा, जब ट्रांसफरी की तरफ से कोई गलती नहीं है, सारी गलती ट्रांसफरर की है, अब हमें इसको पैसे लौटाने, तो जब तक पैसे लौट ना जाए, पैसे जब तक मेरे पास है तब तक मैं उस पैसे के लिए, उस कंसिडरेशन के लिए ट्रस्टी वाला रोल प्ले करूंगी, मैं ओनर नहीं, क्योंकि रियल ओनर तो वही है जिसको लौटाने हमें। क्लैरिटी है, ये थी चिल्लर चिल्लर हेडिंग। एक और चिल्लर हेडिंग देखो क्या लिखा है, हेडिंग देखोगे आर्टिकल में जो कुछ लिखा है आर्टिकल के अकॉर्डिंग ही ट्रांसफर करने का, उसके अलावा कुछ नहीं। आर्टिकल ऑफ अ प्राइवेट कंपनी रिक्वायर, क्या लिखा है कि भैया याद करो, प्राइवेट कंपनी में एक रिस्ट्रिक्शन थी, कुछ प्री एमिशन करके कुछ नाम था, क्या था प्री एमिशन, राइट, फर्स्ट ऑफर आपको अपने एग्जिस्टिंग मेंबर को ही देना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पहले ये सारी फॉर्मेलिटीज देख ले कि हाँ सच में आप दे रहे हो, ऑफर किया है, उसके बाद ही सेकंड जाओ, ये सब अगर होता है तो ही प्राइवेट कंपनी के शेयर बाहर जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं, वही घिसी पिटी बातें। क्लैरिटी है पक्का मेरे बच्चों? चलो अभी थोड़ा सा ब्रेक दे रही हूँ, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे। चलिए हेडिंग बताओ, हेडिंग बताओ क्या लिखा है, ट्रांसफर समझते हो क्या होता है, ट्रांसफर दो जिंदा इंसान, और ट्रांसमिशन, अब मैंने कहा था थोड़ा अच्छी लैंग्वेज यूज करना है, ट्रांसमिशन मतलब क्या, बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ। अब थोड़ा कंसेप्ट समझेंगे, इंसॉल्वेंसी की सिचुएशन समझते हैं, इंसॉल्वेंसी मतलब बताओ जरा, बैंकरप्ट दिवालिया निकलना, लुनेसी मतलब क्या होता है,
ठीक है चलो। रजिस्टर्ड होल्डर, समझना, ट्रांसमिशन की सिचुएशन, हाँ हाँ इधर ध्यान दो, ट्रांसमिशन की सिचुएशन कब कब आएगी? अभी आपको एक ही सिचुएशन पता है, जिंदा इंसान है ना, हमने पढ़ा था कि भैया ट्रांसफर हो रहा है तो जिंदा इंसान, मरा हुआ इंसान, तो ये एक एग्जाम्पल है। तो इसीलिए अब थोड़ा सा टेक्निकल आएंगे, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ बोलोगे तो ज्यादा बेटर है, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ मतलब मरा हुआ इंसान बेच तो सकता नहीं है, तो ये एक ही एग्जाम्पल था कि ट्रांसमिशन कब हम यूज करते हैं भैया, कि डेथ। अब ये डेथ एक एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल क्या लिखा है, अगर कोई इंसान इंसॉल्वेंट हो गया, इंसान है तो इंसॉल्वेंट, और अगर कंपनी है तो लिक्विडेशन, मतलब कि दिवालिया ही निकला, चाहे इंसान का निकलो चाहे कंपनी का निकलो। तो दो सिचुएशन है, पहली सिचुएशन क्या बोला है, डेथ हो गई है, डेथ हो गई तो भैया अब इनके नाम पे तो होगा नहीं, समझो कंपनी का एक रजिस्टर है, कंपनी का क्या, एक रजिस्टर, इस रजिस्टर में एक मिस्टर ए का नाम लिखा था, इसकी भाई डेथ हो गई है, अगर इसकी डेथ होगी तो इसका नाम हटकर इसके बेटे का आएगा ना, यहां तक तो क्लैरिटी है। अब समझो मिस्टर एक्स का नाम लिखा है, किसका नाम लिखा है, एक्स का भी नाम लिखा है। अब मिस्टर एक्स का दिवालिया निकल गया, ठीक है, जिस भी इंसान का दिवालिया निकलता है, चलिए मैं इंसान की जगह एक्स वाई जेड एक कंपनी का नाम बोल देती हूँ, कंपनी का लिक्विडेशन हो गया। लिक्विडेशन में होता है क्या, जरा मुझे बताइए प्रोसेस में क्या होता है, कंपनी के सारे एसेट धीरे धीरे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किए जाते हैं, ऑफिशियल लिक्विडेटर आता है, आता है, तो जो कंपनी के जो एसेट्स है, जो कंपनी की जितनी भी प्रॉपर्टी, क्या वो कंपनी की है क्या, नहीं, ये पूरे के पूरे उस ऑफिसर के पास जाते हैं और ऑफिसर उसको बेच बेच कर क्रेडिटर का पैसा चुकाता है। अगर कोई इंसान इंसॉल्वेंट हो गया है या फिर कोई कंपनी लिक्विडेट हो गई है, तो वो प्रॉपर्टी जो उसकी है वो अब उसकी है ही नहीं, वो अब किसी और की हो चुकी है, किसकी हो चुकी है, ऑफिसर की, हुई नहीं है, बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ ये शेयर्स, अब वो प्रॉपर्टी में मेरा एग्जाम्पल क्या है, शेयर, समझना। अब एक्स वाई जेड या फिर कंपनी या फिर मैं, मेरा दिवालिया निकल गया है, तो मेरी जितनी प्रॉपर्टी है उस पे हक आएगा एक ऑफिसर का, एक गवर्नमेंट ऑफिसर का, वो ऑफिसर उन सारी चीजों को बेच के क्रेडिटर को पे करेगा, तो फॉर्मेलिटी के हिसाब से ऑफिसर का उसमें हक आता है और ऑफिसर बेच कर इसे किसे दे देगा, क्रेडिटर को। तो साफ यहाँ पे यही बोला जा रहा है, रजिस्टर्ड होल्डर की या तो क्या हो जाती है, डेथ, या फिर रजिस्टर्ड होल्डर क्या हो जाता है, इंसॉल्वेंट, और अगर रजिस्टर्ड होल्डर एक कंपनी है तो अगर उसकी हो जाती है लिक्विडेशन, तो साफ साफ सुन लो ये शेयर्स में तुम्हारा हक बिल्कुल नहीं है, डेथ के बाद तो उसके बच्चे को जाएगी, लेकिन अगर कंपनी इंसॉल्वेंट या इंसान इंसॉल्वेंट है तो आपका इस पे कोई हक नहीं है, भले रजिस्टर में नाम लिखा है, इस पे हक आता है ऑफिसर का। व्हेन अ पर्सन इज डिक्लेयर एंटायर प्रॉपर्टी, किसके पास आता है, ऑफिशियल असाइनी, उस ऑफिसर का नाम क्या बताया, ऑफिशियल असाइनी, या फिर क्या दे रखा है, ऑफिशियल रिसीवर, इसके पास सारी प्रॉपर्टी जाएगी, इस शेयर में हक अब मेरा नहीं है, क्योंकि मैं तो क्या बन चुकी हूँ, इंसॉल्वेंट बन चुकी हूँ, बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ, लॉ ने ये हक किसको दे दिया है, उस ऑफिसर को दे दिया है, जिसका नाम यहाँ पे उन्होंने क्या यूज किया, ऑफिशियल असाइनी या फिर ऑफिशियल रिसीवर। तो साफ हेडिंग वापस से, ट्रांसमिशन की सिचुएशन दो केसेस में आती है, एक है डेथ और दूसरा क्या है, इंसॉल्वेंसी स्लैश लिक्विडेशन, इंसॉल्वेंसी फॉर द इंडिविजुअल और लिक्विडेशन फॉर द कंपनी, मतलब सिचुएशन दो ही है, दिवालिया निकलना या फिर डेथ हो जाना। डेथ में ये किसको हक मिलता है, उनके लीगल हायर को, इंसॉल्वेंसी लिक्विडेशन में ये किसको मिलता है, ऑफिशियल असाइनी को, दे कौन रहा है, कानून आपको दे रहा है, बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ, क्लैरिटी है। साफ इन्होंने बोला, जब भी कुछ भी बेचते हो ना, जब भी कुछ भी बेचते हो तो ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट आता है, इंस्ट्रूमेंट आता है, या फिर मैं कहूंगी ट्रांसफर डीड आती है, क्या यहाँ पे कोई अग्रीमेंट, कोई डीड की जरूरत है क्या, मेरा दिवालिया निकल गया, क्या मैं कोई डीड बना के दूंगी उस ऑफिसर को देने के लिए, उन्होंने कहा नहीं भैया कानून दे रहा है आपको कि डीड वीड में साइन करने की जरूरत नहीं, डेथ हो गई है बच्चों को जा रहा है, क्या कोई डीड बना के देंगे, तो ट्रांसमिशन में साफ बोला कोई अग्रीमेंट की जरूरत नहीं है, कोई ट्रांसफर डीड की जरूरत नहीं है, कोई इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है, आपको बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ मिल रहा है, तो ये वर्ड पक्के से यूज करना, बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ, तो सिचुएशन बस डेथ नहीं है, सिचुएशन अब कौन सी होती है, इंसॉल्वेंसी लिक्विडेशन भी होती है, क्लैरिटी है। अब ल्यूनेसी का मतलब एग्जैक्टली क्या होता है, अनसाउंड माइंड, ठीक है, अब अनसाउंड माइंड को ना उस तरीके से देखा नहीं जाता, इन्होंने बस ये टर्म ना यूज कर दिया, यहाँ पे ल्यूनेसी का मतलब वो पागलपन नहीं है, यहाँ पे ल्यूनेसी का मतलब क्या है, इंसॉल्वेंसी है, इनका ये कहना है जब इंसान क्या हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो उसका दिमाग अब स्थिर नहीं है, इसीलिए हमने ऑफिसर को बुलाया, वो पागल हो गया,
उसे नहीं मालूम कि उसे किसको पहले पे करना है, तो ऑफिसर आएगा उसकी पूरी प्रॉपर्टी को बेचेगा और क्रेडिटर को सिक्वेंस वाइज देगा, क्योंकि अभी आपका संतुलन बैलेंस नहीं है, बैलेंस नहीं है, आप किसी को कुछ भी बेचोगे उल्टा पैसे लेके भागने का सोचोगे। तो यहाँ पे लुनेसी का मतलब इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड है, वो वाला पागलपन नहीं कि भैया सब कुछ अच्छा इंसॉल्वेंसी सिचुएशन, बस पागल हो गए, पागल को तो भैया बेटे बच्चों के पास ही जाएगा। क्लैरिटी है? परेशान बोलेंगे, एग्जैक्टली। हाँ, दूसरा डाउट क्या था? हाँ, अब वो माइनर है तो भाई मम्मा बनेगी क्या, गार्जियन, गार्जियन बनेगी, समझो गार्जियन के रोल पे। अब देखो मम्मा कह रही है, समझो समझो, अगर पापा की डेथ हो गई है तो मम्मी के ही हक होता है, हमेशा हमेशा मम्मा का हक होगा, बच्चे का हक ऐसे नहीं आता है। मम्मी चाहती है बच्चों को देना तो फिर वो दोगी, वो कहेगी भैया मुझे गार्जियन बनाओ, इसी को जाए, अब मम्मा ऐसा ही डिसीजन लेगी, ठीक है। क्रैक वैसा क्रैक नहीं है, पागल नहीं है, हाँ, परेशान है, हाँ, फायदा उठाना चाह रहे, हाँ, फ्रॉड चीटिंग करे। देखो अब कोई अगर इंसान पागल हो गया है, उसका फायदा किसी ऑफिसर ने उठा लिया है, ठीक है, गलत किसके साथ हुआ ये बताओ, क्रेडिटर के साथ हुआ, क्रेडिटर को पैसा चाहिए था, केस बनेगा ऑफिसर के खिलाफ और ऑफिसर को पे करना पड़ेगा उतना ही जितना उसने खाया था, क्या बात समझ में आ रही, एज अ पेनल्टी वेनल्टी फिर अलग, डैमेजेस कंपनसेशन वो अलग, पहले तो उतने अमाउंट के लिए लाइबल होगा प्लस एक्स्ट्रा पेनल्टी लगेगी हरकत करने के लिए ऑन ड्यूटी पे ये काम किया, इसलिए। क्लियर है? नहीं, वो बस एक ऑफिसर है ना, पैसा अगर निकाला तो ज्यादा बोला वो उसी का ही रहेगा। हाँ देखो इंसॉल्वेंट की सिचुएशन हमेशा याद रखना, पहले कैलकुलेट ही की जाती है, बिना कैलकुलेशन के नहीं, हमने जब कैलकुलेट किया इंसॉल्वेंट की, अगर डेफिनेशन देखोगे एसेट क्या होता है, एसेट क्या होते हैं कम, लाइबिलिटी क्या होती है ज्यादा, तो 100% केसेस में ही आएगा, मैं चलो 99% केसेस में ही आएगा, खुदा ना खास्ता उस प्रोसेस में किसी रेट कोई दाम अच्छे हमें मिल गए तो हक उस इंसान का है जिसकी वो प्रॉपर्टी थी, वापस से उसको मिलेगी अगर सरप्लस अमाउंट मिलता है तो, ठीक है। चलिए हेडिंग बताओ क्या लिखा है, ट्रांसमिशन इन केस ऑफ सोल ओनर। इन्होंने यहां पे बोला डेथ ऑफ अ सोल ओनर, एक ही सिंगल ओनर था भैया, उसकी डेथ हो गई, उसके राइट्स, उसकी लाइबिलिटी गोज इन द फेवर ऑफ लीगल हायर। अगर आप अपने पेरेंट्स का एसेट ले रहे हो तो आपके सर पर लाइबिलिटी भी आएगी। आपने कहा हमें नहीं चाहिए लाइबिलिटी तो एसेट भी नहीं मिलेंगे। मान लो ये घर आपके पेरेंट्स का, लोन पे ले रखा था ये घर, आप कहोगे हम लोन नहीं चुकाएंगे तो बैंक बोला भगो यहां से, बैंक किस, बैंक बोलेगा घर हमारा, अगर आपको एसेट चाहिए तो लाइबिलिटी भी उठानी पड़ेगी, आपको नहीं नहीं हम घर लेने को तैयार है लेकिन हम लोन नहीं चुकाएंगे, ऐसा कैसा पॉसिबल है। तो अगर आपके शेयर पार्टली पेड अप है, अगर आपके शेयर पार्टली पेड अप है तो भैया एसेट तुम्हारा शेयर तुम्हारा, तो इसकी लाइबिलिटी भी आपको चुकानी पड़ेगी। तो साफ बोला राइट और लाइबिलिटी गोज इन द फेवर ऑफ लीगल हायर, कंपनी कैन जस्टिफाई रजिस्टर द मेंबर व्हेन दे अप्लाई फॉर इट, ठीक है। अब किसी कंपनी को सपना नहीं आने वाला है कि भैया इस बंदे की डेथ हो गई है, खुद ही उसके लीगल हायर को ही अप्रोच करना पड़ेगा कंपनी को कि भैया इस नाम की जगह पर यह नाम लिखो, हो सकता है याद है न्यूज़पेपर में हमेशा छपाते रहते हैं जनता, हमेशा पब्लिक कंपनी न्यूज़पेपर में बात बात में छपवाती, हम डिविडेंड लेके आ रहे हैं छपा दिया, तो भाई अगर किसी की डेथ हो गई तो उनके बच्चों तक ये बात पता चले ना, क्योंकि हम तो लेटर कहाँ भेज रहे होंगे पापा के एड्रेस में, और भैया पापा तो है ही नहीं और तुम रहते कहीं और हो, तो अगर पता चलेगा कि भैया आपका है ये तो आप कंपनी को अप्रोच करो, डेथ सर्टिफिकेट दिखाओ, लीगल प्रूफ दिखाओ, यस आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी। क्लैरिटी है? रिजेक्ट कर दो, छोड़ दो, कुछ नहीं, तुम निकल जाओ तो ज्यादा ही अच्छा है। हाँ बैंक का लॉस है, बैंक ने एक सट्टा खेला था, एक जुआ खेला था, उसे लगा था उसे फायदा हो गया लेकिन लॉस हो गया, बिजनेस तो भैया मार्केट रिस्क पे तो डिपेंड है ही ना, तो बैंक का पूरा लॉस, और बैंक ऐसे बहुत डूबते हैं आए दिन, जो बैंक डूबते रहते हैं वो क्यों डूबते हैं, सबसे ज्यादा इन्होंने किसको दिया था यस बैंक ने पैसा, अनिल अंबानी डूब गया, समझे, यस बैंक में बात इसलिए क्योंकि अनिल के चक्कर में आई, मतलब बैंक भी ऐसे गलत स्टेप्स लेता है, ऐसे लोगों को पैसे दे रहे जिन्होंने वहां डुबा दिया, तो भैया हमने तो आपको पैसे दिया था हम भी डूब गए, अब डूब गया कुछ नहीं कर सकते हाँ उनका भी पैसा फंसा था चलो
हेडिंग देखो क्या लिखा है, बच्चे नहीं है, ठीक है, हस्बैंड है, हस्बैंड की डेथ होगी तो किसको मिल रहा है, विडो को। अब सीन समझना थोड़ा सा, इफ द विडो अप्लाई फॉर द ट्रांसमिशन, क्योंकि हस्बैंड की डेथ हो गई है, विदाउट प्रोड्यूसिंग, क्या नहीं दिया उन्होंने, सक्सेशन सर्टिफिकेट बोले तो, सर्टिफिकेशन एक्चुअल में क्या होता है ना बच्चा, डॉक्यूमेंटेशन में हमेशा स्ट्रांग रहना, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन हो, मतलब आज अगर आप यहाँ हो तो आपको अपने डॉक्यूमेंटेशन, अपनी कंपनी के डॉक्यूमेंटेशन में बहुत स्ट्रांग रहना पड़ेगा। इन्होंने बोला कि भाई उसके पास सर्टिफिकेशन ही नहीं था कि आगे चल के इसकी सारी प्रॉपर्टी में हक आपका है, ऐसा कोई भी सर्टिफिकेशन उसने नहीं दिया। तो अब बताओ क्या विडो विडो को ये शेयर ट्रांसफर होंगे कि नहीं होंगे। इन्होंने कहा कि भैया अगर आपकी कंपनी, इफ द आर्टिकल, अगर आर्टिकल में ऑथराइजेशन दे रखी है, किस चीज की ऑथराइजेशन दे रखी है कि आप अलाउ कर सकते हो, द डायरेक्टर में डिस्पेंस, इस टर्म को याद रखना, डिस्पेंस मतलब छूट, अगर आर्टिकल अलाउ करेगा तो डायरेक्टर भी क्या कर देगा, छोड़ देगा कि भैया बिना ऐसे सर्टिफिकेट के हम आपका ट्रांसफर अलाउ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ है, इंसान जिंदा तो है नहीं बताने के लिए। अब क्या सक्सेशन सर्टिफिकेट बना सकते हो क्या आप, नहीं बना सकते। जैसे दादाजी विल बनाकर अगर चले गए हैं तो विल से पता चल जाता है किसको जाना है प्रॉपर्टी, लेकिन अगर विल नहीं बनाई है तो फिर क्या होगा, देखा जाएगा कि आपके घर में और कितने लोग हैं, आपको प्रूफ देना पड़ेगा कोई और तो नहीं है। दादाजी ने अगर किसी का नाम नहीं लिखा तो उनके अगर चार बच्चे हैं तो चारों बच्चों को जाएगा, अगर बच्ची भी है, बेटी भी है, तो बेटी को भी हक जाएगा। अगर दादाजी ने लिखा है प्रॉपर, एक बड़े भाई को जाएगा, बस बड़े बेटे को जाएगा, तो फिर बड़े बेटे को जाएगा, बाकी लोग केस नहीं कर सकते, ठीक है। फिर केस होगा लेकिन जीतेगा फिर कौन, बड़ा बेटा ही जीतेगा, मिलेगा उसको क्योंकि विल में लिखे। लेकिन अगर विल नहीं है तो पहले पूछा जाए कि घर पे कितने लोग हैं, कोई ऐसा भी है जिसके साथ डिस्प्यूट था, जिसे घर पे बचपन से भगा दिया था, उसे भी प्रॉपर्टी मिलेगी, क्या ये बात समझ में आ रही है। तो यस ऐसा होता है। तो साफ इन्होंने बोला, विडो है, अगर आर्टिकल में ऐसा दे रखा है कि सक्सेशन सर्टिफिकेट नहीं है चल जाएगा, प्रोबेट, ये सब अलग अलग टर्म्स हैं, इन सब का मतलब, ये सब प्रूफ होते हैं जिससे आपको प्रॉपर्टी मिलेगी, इन सब के लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अपॉन सच टर्म्स, इंडेमनिटी एज द डायरेक्टर। तो इन्होंने कहा कोई बात नहीं डायरेक्टर, बस आपसे क्या ले लेंगे, ये क्या लिखा है, क्या था इंडेमनिटी बॉन्ड, एक्चुअल में विडो से बोला जाएगा एक पेपर लो, उसमें इंडेमनिटी बॉन्ड साइन करो, नाम उसका इंडेमनिटी बॉन्ड है। इंडेमनिटी का मतलब क्या बताया था, कंपनसेशन। विडो लिखो ये सारी बातें कि इस घर में मेरे अलावा कोई और नहीं है, इसीलिए सारी प्रॉपर्टी मुझे मिलनी चाहिए, लेकिन कल को अगर कुछ होता है तो उसके लिए मैं लाइबल हो जाऊंगी। मान लो कोई बेटा आ जाता है फर्स्ट वाइफ का, हो सकता है फर्स्ट वाइफ का कोई बेटा हो, बेटी हो सकता है, कल को ऐसा अगर कुछ भी पंगा होता है तो उसके लिए आप लाइबल होगी, फिर आपको वो प्रॉपर्टी आधा आधा शेयर करना पड़ेगा। तो इंडेमनिटी बॉन्ड, अब वो एग्जाम्पल बस मैंने दिया, तो वो लिखते कल को कुछ भी एक्स वाई जेड होगा उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल रहूंगी। तो बस डायरेक्टर आपसे ये इंडेमनिटी बॉन्ड क्या करवाएगा, साइन करवा लेगा और आपके नाम पे शेयर ट्रांसफर कर देगा। अब 10 साल बाद कोई अगर आ जाता है और केस बनता है तो फिर लड़ो आप वो केस, आपने खुद लिख कर दिया था कि आप लाइबल होना, अब आपको देना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा 50-50। क्लैरिटी है, इंडेमनिटी बॉन्ड डायरेक्टर हर केस में आपसे साइन करवा ही लेगा, क्योंकि डायरेक्टर भी तो प्रूफ रखेगा ना कि भाई ये नहीं था, ये नहीं था, ये नहीं था, तो फिर हमने दूसरा डॉक्यूमेंट तैयार करवा लिया। तुम्हें क्या लगता है डायरेक्टर करेगा ये सारे काम, आपको पढ़ाया जा रहा है, आपको बताना है डायरेक्टर ये करवाओ, ठीक है, क्लियर है। चलो ये लास्ट टॉपिक, इसके बाद छोड़ूंगी। हेडिंग बताओ क्या लिखा है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, क्या लिखा है, जॉइंट, पढ़कर तुम्हारी जमीन खिसकने वाली है, आओ क्या लिखा है, ट्रांसमिशन ऑफ, हेडिंग बस पढ़ो क्या लिखा है, चार दोस्त मिलकर क्या करते हैं, शेयर खरीदते हैं, क्या लिखा है, इफ आर्टिकल प्रोवाइड, ध्यान रखना अगर आर्टिकल में ये लिखा है पहले दोस्त की डेथ हो गई तो तीनों का हक है, इस दोस्त के बच्चे का हक नहीं है, दूसरे की डेथ हो गई इसके भी बच्चे का, अब दो का है, बचा एक ही, इकलौता ही इस शेयर का क्या है, मालिक है, मतलब जो सरवाइव करेगा वो ही रहेगा, बाकी जो बच्चे बेचारे उन्होंने तो पैसे दिए थे। इन्होंने कहा कि देखो अगर तुमने ऐसा सड़ा आर्टिकल अगर बनाया है ना, ऐसा खराब आर्टिकल बनाया है, तो आर्टिकल तो पढ़कर आए होंगे, तुम देखा ही होगा तुमने, ठीक है, तो आर्टिकल में अगर ये अलाउड है तो जो भी सर्वाइव करेगा उसका राइट बनता है, ओनली जो भी सर्वाइवर होगा रिकॉग्नाइज द होल्डिंग ऑफ द टाइटल टू द शेयर। लेकिन कंडीशन आर्टिकल अगर बोलेगा, अगर आपने टेबल एफ फॉर्मेट ले रखा है तो टेबल एफ फॉर्मेट ऐसी बातें नहीं करता, वो ये कहता है भैया अगर इस दोस्त की डेथ होती है तो
इतना जितना भी इसका प्रोपोर्शन है उसके लिए उसका बेटा आएगा, सबके लिए उसके उसके बेटे आएंगे, सर्वाइवल वाली बात नहीं करता, ठीक है, कि जो जिंदा रहेगा आखिरी तक उसके पास पूरा शेयर रहेगा, ऐसी बातें नहीं करता। आर्टिकल में अगर आपने ऐसी कस्टमाइज बातें लिखी है जो प्राइवेट कंपनी में अक्सर होते होंगे ऑब्वियसली, तो हम अलाउ करेंगे। कंपनी कैन रिफ्यूज द ट्रांसफर टू द अदर। मान लो पहला दोस्त डेथ होती है इसके, तीनों मालिक बनते हैं, लेकिन भैया इसके बेटे से रहा नहीं जाता है, वो केस करता है। फॉर एग्जाम्पल सन ऑफ द डिजीज इवन विद द सक्सेशन सर्टिफिकेट, कुछ भी हो जाए अगर वो कौन सा सर्टिफिकेट लेके आ जाए, सक्सेशन सर्टिफिकेट ही क्यों ना लेकर आ जाए, इससे भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि आपके आर्टिकल ने ये पहले ही बोल रखा था कि ज्वाइंट होल्डिंग में अगर शेयर खरीदोगे ना तो जो जिंदा रहेगा उसको ही मालिकाना हक मिलेगा पूरा कंप्लीट। बस वो उन्होंने यही बस लिख दिया है कि वो भी एक्सेप्ट नहीं होगा। मान लो सक्सेशन सर्टिफिकेट किसने दिया, बेटे को बाप ने पहले ही करके रखा था, डेथ के बाद बेटा वो लेकर आता है, नहीं 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 देखो मेरे पापा ने ये दे रखा था, नहीं मानने वाले हम, बाप ही देगा ना, बाप देगा ना सक्सेशन, ठीक है। चलो लीगल ट्रांसफर। हाँ जी हाँ, अब देखो आखिरी वाले तक था ना उसका, अब उसकी फैमिली को मिलेगा, है ना, तो जिंदा रहना है अपन को, ठीक है। चलो ऐसा करना ही नहीं, ऐसी कंपनी में शेयर ही ले, ठीक है। चलो प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर, भैया बेचना है तो आपको क्या करना है, ट्रांसफर डीड प्रॉपर होनी चाहिए। ऑटोमेटिक ट्रांसफर नहीं होता कुछ भी, सपना नहीं आने वाला, आप ही को आकर बताना पड़ेगा भैया मैं ही अकेला हूँ जो जिंदा हूँ, ये सारी बातें, ठीक है। फॉर्मेलिटी, टेबल एफ की अगर हम बात करेंगे, इफ आर्टिकल डज नॉट कवर इट, ऊपर जैसे हमने जो बातें पढ़ी, अगर ऐसा कहीं भी कुछ नहीं है, साइलेंट है, तो हम क्या ज़ूम करेंगे, टेबल एफ, और टेबल एफ अच्छी बातें करता है। टेबल एफ बोलता है भैया लीगल रिप्रेजेंटेटिव मस्ट बी प्रूफ, लीगल रिप्रेजेंटेटिव प्रूफ दे, उसका भी उतना ही प्रपोर्शन का हक आ जाएगा जितना उसके डैडी का था। दे कैन अप्लाई टू रजिस्टर्ड एज अ मेंबर, बट ऑटोमेटिक नहीं होगा, सपना नहीं आने वाला, खुद बेटों को बताना पड़ेगा मेरे पापा की डेथ होगी, इसकी जगह पे ज्वाइंट शोल्डिंग में मेरा भी नाम लिखो, ठीक है। कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर राइट, या तो वो अप्रूव करेंगे या तो डिनाई, मतलब एक बार चेक करेंगे अच्छे से, उस हिसाब से हाँ ना बोल सकते। तो पूरा कंक्लूजन ये है, अगर कोई भी ज्वाइंट शेयरहोल्डिंग में खरीद रहा है, अच्छे से देख लो आपका आर्टिकल क्या बोल रहा है। अगर आर्टिकल बोलता है जो जिंदा रहेगा उसी को ही कंपनी शेयरहोल्डिंग मिलेगी, तो यही होगा। अगर ये सब कुछ नहीं बोलता है, साइलेंट है, तो मान लो कि क्या होगा, टेबल एफ। और टेबल एफ बोलता है अगर चार दोस्त है एक ही डेथ होती है, तो उतने प्रपोर्शन का उसके बेटे को ऐसे ऐसे नेक्स्ट होता जाएगा। क्लैरिटी है, टेबल एफ फॉलो होगा। तो ये पूरा बोरिंग पैराग्राफ आप लोग रीड करोगे, सोता है भाई तू, खुली आंखों से भी तू सोता है, प्रूफ कर दिया तूने। आज मैंने सोचा यार यार सो नहीं रहा है यार, क्या बात है, लेकिन अभी भी सो ही रहा था। क्या होगा बताओ, फैमिली को मिलेगा, याद आ गया, अचानक से नींद खुल गई नलायक। चलो ए ये रीड करोगे, हेडिंग बताओ क्या लिखा है, ट्रांसफर समझते हो, ट्रांसमिशन समझते हो, बस डेथ में मिलता है क्या ट्रांसमिशन, अब डेटा बढ़ गया, हाँ स्लैश लिक्विडेशन बोला कंपनी के केस, ठीक है। ये सारी चीजें पढ़ लोगे यहां से, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी, ठीक है। आज की सभा समाप्त।